नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित दो चैप्टर को पूरा किया हुआ है। हम लोगों ने देखिए इसमें विस्तार में नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे एक देख लीजिए पहला चैप्टर था आपका मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो इससे आप याद रखिए कि कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, फिर चाहे MPPSC प्रीलिम्स हो या फिर MPSI MP पुलिस और भी आपके व्यापम जो भी एग्जाम करवाता है उनसे संबंधित हो, या जहाँ भी आपका मध्य प्रदेश का इतिहास परीक्षा में पूछा जाता हो उसमें आपके क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, यही हम लोगों ने देखा था। दूसरा चैप्टर आपने देखा होगा कि आपका था मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन और गठन, गठन कब हुआ था, उसके बाद आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ अलग किया गया था, तो इनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। और आज की इस क्लास में बात करेंगे हम लोग MP हिस्ट्री के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें आपके क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, क्योंकि मुझे भरोसा भी है कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश के इतिहास को 50 जगह से कम पढ़ लिया होगा, पर भी आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस जब आता है तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसे उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग यहाँ यही देखेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन से फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, यही सब देखेंगे। यहाँ इतिहास को हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है पूरी तरह से कि आप लोगों ने कम से कम 10 तरह की बुक्स से तो मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाषाण काल से, और इसमें हम लोग बात करेंगे पाषाण काल से होते हुए मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास, प्राचीन काल, मध्य काल, और फिर आप देखेंगे आधुनिक काल, और आप समझिए आधुनिक काल में जो हमारी स्वतंत्रता मिली हुई है इसमें मध्य प्रदेश के किन किन व्यक्तियों का क्या योगदान रहा है, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि पाषाण काल के बारे में बात करें तो इसे पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पत्थर का काल, ठीक है। सीधा सा कहने का मतलब है कि पत्थरों के औजारों से ही इस समय की जानकारी मिलती है आप लोगों को, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल को आप लोग जानते हैं कि तीन भागों में बांटते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, एक तो आप देखते हैं कि पुरापाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया, इसमें एक और भाग जोड़ देते हैं जिसे आप लोग ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि तांबे का उपयोग होता है, सो उसे एक तरह से आप कह देते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और सबसे पहले अगर हम लोग पुरापाषाण काल की बात करें तो इसकी डेट आप लोगों को याद रखनी होगी, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और याद रखिए कई बुक्स में आपको अलग अलग डेटें मिलेंगी, तो आप लोग अपने हिसाब से ज़्यादा परेशान मत होइए डेटों के लिए। इसकी डेट रखी गई है किसकी, पुरापाषाण काल की, 2.5 लाख से लेकर आपका 10,000 ईसा पूर्व तक BC, जिसे ईसा पूर्व को आप लोग BC कहते हैं, और AD को आप लोग क्या कहते हैं, ईसवी, ठीक है। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि ईसा के जन्म के पूर्व की डेट को आप लोग ईसा पूर्व कह देते हैं, उनके जन्म की डेट के बाद की डेट को आप लोग ईसवी कहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं आपके पुरापाषाण काल से, पुरापाषाण काल से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसके एक तो स्थल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, और औजार इस समय कौन कौन से उपयोग होते हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो नर्मदा घाटी है ना आपकी, यहाँ से काफ़ी इसके औजार देखने को मिले हैं नर्मदा घाटी से, ठीक है, नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों से, किसके, पुरापाषाण काल के। और इसमें देखिए यहाँ के अगर आप लोग देखेंगे उपकरणों के बारे में तो इसमें आप लोग बिना बैंत के कुल्हाड़ी देखेंगे, और फिर आप देखेंगे हत्ते वाली कुल्हाड़ी जिसे आप लोग हस्त कोठार भी कह देते हैं, खुरचन भी दे देते हैं, और मुष्ट भी कह देते हैं, यही इस समय की एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्या होते थे, औजार हुआ करते थे, औजारों से क्वेश्चंस डायरेक्ट हो सकता है पूछ ले कभी। और याद रखिए कुल्हाड़ियाँ नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी हो गया, सुखचाई हो गया, नाला बुधाना, कैन घाटी, बरखस, दमोह जिले में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि इसी काल में पुरापाषाण काल में आप देखेंगे मानवों की खोपड़ी मिली, ये कहां से मिली थी, ये आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नर्मदा मानव इसका नाम रखा गया है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश से ही मिली थी ये नर्मदा मानव, सबसे पहले मानव की खोपड़ी आपकी नर्मदा मानव के एक तरह से मिली थी, और इसे आप लोग याद रखिए।
ठीक है, क्या करना है याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछ ले। तो ये था आपका, याद रखिए, मानव की उपस्थिति प्रथम बार आप देखेंगे साक्षात नौरा, हथनौरा जिला सीहोर नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक आप याद रखिए कि जो नरसिंहपुर जिला है ना आपका, यहाँ से भूतरा नामक स्थान पर भी पाषाण काल के उपकरण देखने को आपको मिले हैं। ठीक है, और आप देखेंगे महादेव पेपरिया, महादेव महादेव पेपरिया, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 860 के करीब औजार भी देखने को मिले। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं आप लोगों को। ठीक है, इन स्थलों को भी याद रखिए और कहाँ कहाँ से मिला है इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इसे भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका समय आप देखेंगे लगभग रहता है आपका 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व यानी कि 10,000 BC का समय रहता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे सोन घाटी है जो, यहाँ से आप लोगों को यहाँ से काफ़ी औजार बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा, लगभग आपकी 464 औजार आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ से? सोन घाटी से, ये भी आप लोग याद रखिए। और याद रखिए इस समय की मध्य पाषाण काल के औजार यानी कि साक्ष्य आपको मंदसौर हो, एम से मंदसौर हो गया, नाहरगढ़ हो गया, नाहरगढ़ हो, या फिर इंदौर हो, या फिर आप भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में कुछ और पॉइंट याद रखिए, बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इससे भी कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, किसके बारे में? भीमबेटका के बारे में। तो याद रखिए, एक तो आप लोगों को सबसे पहले याद रखना होगा कि ये भीमबेटका है जो रायसेन जिले में पड़ती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ से 500 के करीब गुफाएं देखने को मिलेगी, और जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी चित्र भी मिले हैं कि इस समय के लोग जो रहे होंगे वो चित्रकारी हुआ करते थे, जिसमें आप देखेंगे पशु पक्षियों का शिकार करते हुए इन्होंने जो वो बनाए हैं, क्या बनाए हैं? चित्र बनाए हैं, या फिर जानवरों की लड़ाई करते हुए मनोरंजन के लिए, मानव का पारस्परिक युद्ध की, पशुओं की सवारी, गीत नृत्य पूजन मधु संचय, घरेलू जीवन संबंधी दृश्य देखने को मिलेंगे। और यहीं आप लोगों को याद रखना होगा कि जो भीमबेटका है इसके गुफा चित्रों की बात करें, जो गुफा में चित्र हैं, तो एक आपके विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि ये 4,000 ईसा पूर्व के चित्र माने जाते हैं, 4,000 ईसा पूर्व के। ठीक है, लेकिन आपके जो भारत के साकलिया ये मानते हैं कि ये आपकी 1.50 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, फिर आप देखेंगे आर वी जोशी ने आप देखेंगे होशंगाबाद में स्थित, होशंगाबाद से 25,000 के करीब उपकरण प्राप्त किए थे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि आर वी जोशी कहाँ से जुड़े हुए थे, इन्होंने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो होशंगाबाद। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक बी बी मिश्रा के बारे में भी सुनते हैं, बी बी मिश्रा साहब के बारे में। ठीक है, मिश्रा साहब के बारे में अगर बात करूँ तो इन्होंने भीमबेटका से ब्लेड के अवयव ढूंढे थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और उसके बाद आप देखेंगे नवपाषाण काल की अगर बात करें हम आपसे, तो इस काल के औजार आपको देखने को मिलेगा, जटकारा हो गया, या फिर आप देखेंगे जबलपुर हो गया, या फिर आप देखेंगे दमोह हो गया, या फिर आप देखेंगे सागर, होशंगाबाद, तो यहाँ सबसे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और भोपाल के बैरागढ़ के भी निकट शैलाशय काफ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करूं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले मानव ने तांबे का उपयोग किया था, समझ रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं, कोई अवशेष नहीं मिले हैं, कोई साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेगा, क्या मध्य प्रदेश में कहीं आपकी हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह मिले हैं, तो बता देना नहीं। ठीक है, लेकिन ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करें तो इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एक तो आप लोगों को याद रखना होगा ताम्रपाषाण काल के बारे में, टी से ताम्रपाषाण, तो इसमें एक तो स्थल है आपका नागदा, क्या है? नागदा। उसके बाद आप देखेंगे नागदा के बारे में बता देता हूं कुछ पॉइंट, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्या नागदा के बारे में?
डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है। तो डायरेक्ट नागदा के बारे में बात करूं तो ये उज्जैन में देखने को मिलेगा। कहाँ? उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन के आस, उज्जैन जिले में जो चंबल नदी है ना, इसके तट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसी के बारे में मैं बात करूं तो एक आपको देखने को मिलेगा कायथा, ये भी आपकी तांबासाड़ एक बस्ती है। कायथा क्या है? कायथा, बड़ा मुश्किल होता है इस पर लिखवाना, समझ रहे हैं, छोटा सा है एक तो और बड़ा। कायथा ये भी आपकी क्या है? तांबासाड़ बस्ती है, ठीक है। इसके बारे में बात करूं तो ये भी उज्जैन में देखने को मिलेगी, और जो छोटी सिंधु नदी है ना, इसके तट पर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, यहाँ से आप लोगों को तांबे की कंकड़ी, छेनी, कुल्हाड़ियाँ की धातु भी देखने, तांबे धातु की देखने को मिलेगी। और एक ये बात और याद रखनी, कायथा में ही आप देखेंगे वराह है, वराह मेहर का जन्म भी रहा है, वराह मेहर का जन्म भी है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि वराह मेहर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना कायथा, ये तांबासाड़ एक बस्ती रही है और ये आपकी उज्जैन में है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एक है आपका एरन, ये भी आपकी कहाँ है? तांबासाड़ एक बस्ती है और सागर जिले में देखने को मिलेगी। कहाँ? सागर जिले में, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो इसका प्राचीन नाम था एरी किन, ठीक है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए, यहाँ से भी आपको तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोले टुकड़े और काफ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी आपकी तांबासाड़ काल से जुड़ी हुई बस्ती है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। नवदा टोली के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, तो ये भी आपकी तांबासाड़ी बस्ती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि तांबासाड़ी बस्तियाँ काफ़ी ज्यादा मिली हुई है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। नवदा टोली, टो से टोली, समझ रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ये भी आपको नर्मदा तट के पास देखने को मिलेगी महेश्वर में, ठीक है। नर्मदा तट के पास देखने को मिलेगी महेश्वर में। यहाँ से भी आपको काफ़ी इस तरह के जो तांबे के औजार हैं, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से कुछ आपकी फसलें भी देखने को मिली हैं, जिसमें आप गेहूँ देखते हैं, मटर देखते हैं, मसूर की खेती देखते हैं, इसके साक्ष्य भी यहाँ काफ़ी देखने को मिले हैं। और यहाँ विदेशियों के प्रवास के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। कहाँ? नवदा टोली में। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और डायरेक्ट या तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि नवदा टोली कहाँ स्थित है और किस से जुड़ी हुई है, तांबासाड़, या फिर आपसे पूछेगी नवपाषाण काल, हड़प्पा पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, या आपसे पूछे मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो इन सब के बारे में याद रखिए, तांबासाड़ी काल से जुड़ी हुई है और महेश्वर नर्मदा तट पर देखने को मिलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि औरा, ये भी आपकी तांबासाड़ी बस्ती है और इसके बारे में भी याद रखिए, ये आपकी मंदसौर जिले में देखने को मिलेगा। मंदोरी दरी का नाम सुनते हैं ना आप लोग, रावण की बीवी, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। फिर आप लोग एक और याद रखिए, तांबासा की बस्तियों के बारे में, सभी के बारे में याद रखिए, ये है आपका डांगवाला, डांगवाला ये आपका, ये भी आपका तांबासाड़ी बस्ती है और ये आपकी उज्जैन में देखने को मिलेगी, उज्जैन के आसपास, ठीक है, ये उसे उज्जैन। और आज़ाद नगर के बारे में बात करें तो ये भी आपकी तांबासाड़ी बस्ती है और इंदौर में देखने को मिलेगी। कहाँ? इंदौर में, ठीक है। और खेड़ी नामा भी आपकी एक तरह से तांबासाड़ी बस्ती है, ये आपकी होशंगाबाद में देखने को मिलेगी। कहाँ? होशंगाबाद में। तो ये भी आप लोग याद रखिए, इनसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना है, आप लोगों को ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। कुछ आपसे पूछ लेगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ पुरातत्वविद भी रहे हैं और उनका क्षेत्र कहाँ रहा है। तो एक तो है आपका नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण, नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किसने करवाया था? तो इसमें आपके शामिल हैं सौकलिया, फिर सोपेकर, आर बी जोशी, बी बी लाल, मैक ब्राउन, टेरा
पीटरसन, खत्री, इन सभी नामों को याद रखना है। और एक है आपका सोन, घाटी सर्वेक्षण। इससे जुड़े अगर हम लोग पुरातत्वविदों की बात करें तो इसमें निसार अहमद रहे हैं, निसार अहमद, ठीक है। रीवा सतना क्षेत्र के उत्खनन की अगर बात करें हम लोग, रीवा सतना उत्खनन क्षेत्र की बात करें तो इससे जुड़े हुए थे आपकी जी आर शर्मा, ठीक है। अगर चंबल घाटी की अगर हम बात करें, चंबल घाटी और ताम्रपाषाणिक सभ्यता से जुड़े हुए उत्खननकर्ता के बारे में या पुरातत्वविद के बारे में तो ये थे आपके प्रोफेसर वाकनकर, ठीक है। इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे आप लोग, इसके बाद आप देखेंगे लोह काल। तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाला क्षेत्र मिलते हैं, देखते हैं ना आप लोग, तो यहाँ से आप लोगों को लोहे काल के भी उपकरण देखने को मिलेंगे। कहाँ से? ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्वालियर। दूसरा आप देखेंगे इसमें आपका मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है, भिंड हो गया। और ये मानी जाती है लोह युगीन संस्कृति का समय रहा है 1000 BC के करीब, 1000 BC के आसपास माना जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए, इससे भी आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि लोह संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति के साक्ष किस क्षेत्र में मिले हुए हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर के आसपास, ठीक है, उसी क्षेत्र में। ये भी आप लोग याद रखिए। और याद रखना आपको कि वैदिक काल में आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल के साक्ष मध्य प्रदेश में कोई भी क्षेत्र नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपके जरूर कई जातियों का, उत्तर वैदिक काल में आपके कई ग्रंथों में नाम मिलता है कि यहाँ वन निवास करती थी मध्य प्रदेश के जंगलों में, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो वैदिक काल है, एक तो आपका कब से कब तक रहता है, 1500 से 600 BC के बीच, लेकिन आपको मालूम होगा कि इसमें ऋग्वैदिक काल आपका रहता है 1500 से 1000 BC, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि इसमें आपका जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से 600 BC का समय रहता है। तो आप लोगों को मालूम है कि ऋग्वैदिक काल मध्य प्रदेश में कोई भी एक तरह से साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, लेकिन आप उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें हम लोग, तो कहा जाता है कि विंध्याचल के आर पार कुछ उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य मिले हैं। इसमें आप लोग ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में आप लोग एक निषाद जाति के बारे में सुनते हैं, और याद रखिए मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई थी, ठीक है, निषाद जाति जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ के विंध्य प्रदेश के आसपास के जंगलों में ये निवास किया करती थी, ठीक है। और आगे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। देखिए मध्य प्रदेश में आप देखेंगे आप लोग विश्वामित्र के 50 शापित पुत्रों के बारे में भी सुनते हैं, ये भी मालवा के आसपास रहा करते थे। एक आप लोग सुनते हैं नागवंशी शासक के बारे में, जिसने आपने देखा होगा कि नर्मदा का नाम रेवा किया था इसने, ठीक है, और नागवंशी शासक हुआ करता था। फिर आप देखेंगे एक और हुआ करता था पुरुकुत्स शासक, इसने रेवा का नाम नर्मदा कर दिया था, पहले नर्मदा का नाम रेवा था और इसने ही रेवा का नाम बदल के नर्मदा कर दिया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक मंधाता के नाम पर नगरी भी बसाई गई थी, जिसे आप लोग ओंकारेश्वर मंधाता भी कहते हैं, नरेश मंधाता ने बसाई थी, ठीक है। ये भी आप सब लोगों से पूछा जा सकता है। कारुस वंश का भी आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के काफ़ी, एक तरह से आप समझिए बघेलखंड के आसपास इनका भी राज रहा है। एल साम्राज्य या चंद्रवंश का भी आप लोग देखेंगे बुंदेलखंड के आसपास इनका भी राज्य रहा है, ये भी जुड़ी हुई है रही है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रवंश, एल वंश का शासक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहा है, तो आप लोगों को याद रखना होगा बुंदेलखंड के आसपास, ठीक है। और याद रखिए इच्छाकु वंश के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, ये आपका दंडकारण्य राज्य के बारे में, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था ना बस्तर राज्य, इसी के आसपास इनका भी राज्य रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता है हेहर वंश के बारे में, साम्राज्य के बारे में, तो याद रखिए महेश्वर के आसपास इनका राज्य रहा है। और आप लोगों को एक और मालूम होना चाहिए कि जो इसका हेहर साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था सहस्त्र अर्जुन,
इसका नाम आप देखेंगे कार्तिवीर्य भी मिलता है, अर्जुन भी मिलता है, सहस्त्र अर्जुन भी मिलता है। कहा जाता है कि इसने लंका के रावण को हराया था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस शासक ने लंका के राजा रावण को हराया था। तो ये था आपका सहस्त्र अर्जुन। और एक और इससे किस वंश से संबंधित था, ये भी क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये था आपका हेहर साम्राज्य से, हे है साम्राज्य से, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के काफ़ी लोग मतलब साम्राज्य एक तरह से शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। राजा अवंती के बारे में भी सुनते होंगे आप लोग, ये मालवा के आसपास राज्य किया करते थे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर हम लोग इसमें बात करें महाकाव्य के बारे में, महाकाव्य काल के बारे में, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि राम, आपने देखा होगा कि एक तरह से चित्रकूट का जो क्षेत्र देखने को मिलेगा ना, सतना जिले में पड़ता है, आपने देखा होगा। तो काफ़ी इसमें रामायण के एक तरह से साक्ष्य मिले हुए हैं। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि राम ने चित्रकूट में ही तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि अधिकांश समय यहीं इन्होंने व्यतीत किया है वनवास के दौरान। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो दंडकारण्य बस्तर का क्षेत्र था, यहीं से सीता माता का अपहरण यानी कि रावण ने हरण किया था, ले गए थे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाल्मीकि आश्रम सुनते हैं ना आप लोग, ये टोंस नदी के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा अमरकंटक में। यहीं आपने देखा होगा कि सीता माता ने लव कुश को जन्म भी दिया था। वाल्मीकि आश्रम के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इन्हीं पॉइंटों में से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आगे चल के आप देखेंगे तो कहा जाता है कि जो दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हुआ करता था, इस पर आपने देखा होगा कि कुश ने, यानी कि जो कुश लव कुश समझ रहे हैं, राम के पुत्र, इन्होंने कुछ समय के लिए राज भी किया हुआ है, ठीक है। और ये विदिशा का जो क्षेत्र देखेंगे आप लोग मध्य प्रदेश में, इसमें माना जाता है कि शत्रुघ्न के पुत्र शंभु घाती ने यहाँ भी कुछ समय के लिए एक तरह से राज किया हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और महाकाव्य आप देखेंगे जो महाभारत है, यानी कि महाभारत आप लोग देखते हैं ना, बड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो महाभारत में आप लोग देखेंगे जो आप पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, तो मध्य प्रदेश के शासकों ने भी एक इसमें भाग लिया था। तो याद रखना है आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है कि किन किन राजाओं ने इसमें भाग लिया था और किन की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। तो आप लोगों को सबसे पहले तो याद रखना है कि पांडवों की ओर से, आप देखेंगे पांडवों की ओर से एक तो बुंदेलखंड के शासकों ने और एक बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड के शासकों ने भाग लिया था। किसकी तरफ से, पांडवों की तरफ से। अगर कौरवों की अगर हम बात करें, कुछ राज्यों ने, आप देखेंगे कौरवों ने भी भाग लिया था। और इसमें आप देखते हैं बघेलखंड और बुंदेलखंड में वत्स, काशी, चैदी, कारुस, दर्शान, मत्स्य ये राज्य हुआ करते थे, ठीक है। कौरवों की अगर बात करें, कैसे कौरव हो गए आपके, इनकी तरफ से किस किसने, मध्य प्रदेश के शासकों ने एक तरह से राज्यों ने भाग लिया था। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना होगा महिष्मति था आपका और अवंती था आपका, और उसके बाद आप देखेंगे भोज, अंथक, उसके बाद आप देखेंगे विदर्भ, उसके बाद आप देखेंगे विदर्भ के बाद आप लोग निषद, एन से निषद, उसके बाद देखेंगे वृश्णि, और आप लोग देखेंगे इन सभी ने आपका एक तरह से किसके, कौरवों के साथ, कौरवों का साथ दिया था, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, और आपको चार ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा काशी और बाकी तीन दे देगा आपसे अंथक, विदर्भ, निषद, इनमें से चार आपको चुनना है। तो याद रखिए काशी, इसी तरह से आपको कौरवों वालों से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और महाभारत में आप देखेंगे महिष्मति हो गया, उज्जैनी हो गया, कौंतलपुर हो गया, विराटपुरी हो गया, इन सब का एक तरह से वर्णन भी देखने को मिलेगा, किसमें, महाभारत में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए, तो इनसे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर आप सुनते हैं महाजनपद के बारे में, आप जो सुनते होंगे कि 600 BC के आसपास भारत में आपके कितने BC,
16 महाजनपद हुए। कितने? 16 महाजनपद हुए। इसमें आप देखेंगे कि कुछ आपको कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी आपको दो महाजनपद देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक का, एक तो आपका चैदी, जिस जो बुंदेलखंड का क्षेत्र हुआ करता था, चैदी, ठीक है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र हुआ करता था, ये आप लोग याद रखिए। और दूसरा था अवंती, अवंती ये भी काफी चर्चित रहा है। तो ये आप देखेंगे, ये आपका उज्जैन के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, अवंती आपका उज्जैन के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। और याद रखिए, अगर हम लोग प्राचीन नाम की बात करें तो अवंती को उज्जैन के नाम से ही जानते थे पहले, ठीक है, और चैदी जो खजुराहो का क्षेत्र होता है इससे पहले चैदी के नाम से ही जानते थे, और बुंदेलखंड में पड़ता था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसमें अगर हम चैदी की बात करें तो ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में फैला हुआ था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी चैदी की, क्या हुआ करती थी ये, इससे राजधानी जरूर पूछा जा सकता है, इसकी राजधानी थी शक्ति मती, ठीक है, एडजस्ट करना है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या थी आपकी जो चैदी जनपद था इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती। और इसकी एक शाखा आपको कलिंग में देखने को मिलेगी, और एक देखेंगे आप लोग खारवेल, वहाँ का प्रसिद्ध शासक भी हुआ है कलिंग का, ठीक है, और राजा शिशुपाल का वर्णन भी आप लोग देखेंगे कि महाभारत में भी मिलता है इसका, ठीक है, वही ये शिशुपाल वही है जिसने, आपने देखा होगा कि जो आपके श्री कृष्ण भगवान थे इन्होंने अपने चक्र से इसका सिर काटा था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अवंती के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अवंती, ऐसे आपका अवंती, ठीक है, तो इसकी, इसे दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, अवंती को दो भागों में, एक तो आपका उत्तरी अवंती, अवंती जनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी आपकी उत्तरी, नॉर्थ यानी कि उत्तरी, तो इसका इसका इसकी राजधानी हुई हुआ करती थी उज्जैनी, क्या, उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है, और दूसरी आपकी हुआ करती थी दक्षिणी जनपद, तो इसमें आप देखेंगे दक्षिणी साउथ, यानी कि इसमें आप देखेंगे इसकी राजधानी हुई हुआ करती थी महेशमती, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, महेशमती, महेश्वर का क्षेत्र जो आज आप लोग देखते हैं इसी के क्षेत्र की बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए, और इससे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि यही आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है, दक्षिणी अवंती, उत्तरी अवंती, ठीक है। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जीवक के लेखों में भी विदिशा हो, गौन नद हो, आधुनिक दुलाहा, उज्जैन हो, महेशमती हो, इसका उल्लेख देखने को मिलेगा भी। और बौद्ध जैन ग्रंथों में भी आप देखेंगे अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कुररघट घर और सुदर्शनपुर का एक तरह से वर्णन देखने को मिलेगा। अवंती बौद्ध धर्म का भी सुप्रसिद्ध केंद्र भी रहा है, ठीक है, इसका बौद्धकालीन नाम अच्युतगामी या अच्युतगामिनी भी रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है, इससे भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप लोग याद रख सकते हैं। और इनसे क्वेश्चंस याद, इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्राचीन नगर इस समय क्या रहे हैं, कुछ आपके देखते हैं, जैसे आप देखते हैं विराट नगर, विराटपुरी किसका पुराना नाम था, तो ये सुहागपुर का था, किसका, सुहागपुर का पुराना नाम क्या है, विराटपुरी, ठीक है। और आपसे अगर पूछे कि महेश्वर का पुराना नाम क्या था, तो महेशमती, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इंदौर का पुराना नाम क्या था, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंद्रपुट या इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उज्जैन का पुराना नाम, उज्जैनी भी इसे जानते थे आप लोग, भोपाल का पुराना नाम भोसताल के नाम से जानते थे, धार का पुराना नाम धारी नगरी हुआ करता था, रीवा का पुराना नाम भरहूत या भता हुआ करता था, सतना का पुराना नाम अंचहरा हुआ करता था, अंचहरा, ये भी आप लोगों से पूछे तो आप आराम से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि नंदवंश आता है, यहाँ क्या आता है, नंदवंश, और इसमें आप लोग एक नाम सुनते होंगे,
महापदम नंद के बारे में, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि जो चैदी आपका जनपद हुआ करता था इसे मगध में ही मिला लिया था, ठीक है। और जो बड़वानी का क्षेत्र देखने को देखते हैं ना आप लोग, यहाँ से आप लोगों को नंदवंश की काफ़ी मुद्राएं भी देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। फिर आप देखते हैं कि मौर्य काल आता है, क्या आता है, मौर्य काल। तो मौर्य काल से क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं, इसमें कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जो यहाँ का शासक अशोक है ये काफ़ी आप देखते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और बिंदुसार के काल में आप देखेंगे 11 वर्ष तक, 11 साल तक अवंती का प्रांत पाल रहा है कौन, अशोक। तो याद रखिए, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि अशोक कहाँ का एक तरह से प्रांतपति हुआ करता था, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का, तो अवंती से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और इसी समय आप लोगों ने सुना होगा कि जो विदिशा की शकवंशी थी एक कन्या श्रीदेवी, जिसे आप लोग महादेवी के नाम से भी जानते हैं, तो इसने अशोक से शादी की थी, अशोक ने महादेवी या देवी से शादी की थी। और जो आप देखते हैं ना कि वेस्ट टेकरी का स्तूप के नाम से सुनते हैं आप लोग, ये एक उज्जैन के आसपास, तो ये अशोक ने बनवाया था इन्हीं की एक तरह से कहने पर, किनकी, महादेवी के कहने पर, ये भी आप लोग याद रखिए, इससे भी आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और एक और आपसे क्वेश्चंस बन सकता है, उज्जैन ही को इसने अशोक ने अपनी राजधानी भी बनाया था, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और आप लोगों को एक गुर्जरा और रूपनाथ लघु शिलालेख देखते ना आप लोग, तो यहाँ से आप लोगों को किसके बारे में, अशोक के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। और गुर्जरा लघु शिलालेख में तो आप देखते हैं कि अशोक का नाम, अशोक देवा नाम प्रिय प्रिय दर्शनी उल्लेख में मिलता है। ये आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है कि क्या पूछता है कि किस में आप अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है, किस अभिलेख में, तो याद रखिए गुर्जरा लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये कहाँ है, दतिया में देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाएगा कि गुर्जरा अभिलेख का, गुर्जरा अभिलेख कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो दतिया में, ठीक है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चंस बन सकता है। या फिर आपसे पूछे कि अगर कि रूपनाथ अभिलेख कहाँ है, तो ये अशोक का लघु शिलालेख, तो ये जबलपुर में देखने को मिलेगा, कहाँ, जबलपुर में, ये भी आप लोग याद रखिए। और सारो मारो ये सीहोर में देखने को मिलेगा, कहाँ, सीहोर में, ठीक है। और पान गुरानिया ये सीहोर में भी देखने को मिलेगा। सांची के स्तूप की अगर बात करें तो ये आप देखते हैं रायसेन में देखने को मिलेगा। और सांची से आप देखते हैं काफ़ी एक तरह से पूछ लेता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने, रायसेन में पड़ता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। और सांची के स्तूप में आओ तो आप देखते हैं कि बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था 3री शताब्दी के आसपास अशोक ने। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसकी, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, तो याद रखिए 1818 में, 1800, इस नाम को याद रखिए, इससे क्वेश्चंस बन सकता है, 1818 ईस्वी में आप देखेंगे एक जनरल टेलर के बारे में आप लोग सुनेंगे, टेलर, इनका आप लोग टेलर के नाम से किसी भी तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो सांची के स्तूप था इसकी खोज की थी किसने, जनरल टेलर ने, कब, 1818 में, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये भी आपसे अगर पूछे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, मुझे लगता है। एक तुमैन का स्तूप भी पूछता है आपसे, तुमैन के अभिलेख की बात करें तो ये आप लोगों को गुना जिले में देखने को मिलेगा, कहाँ, गुना, शिवपुरी गुना सुनते हैं ना आप लोग, तो उसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लोग। और यहाँ से याद रखिए कि बौद्ध स्तूपों के अवशेष भी आप लोगों को मौर्यकालीन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और उज्जैन का आपको बता ही चुका हूँ कि जो बौद्ध महास्तूप है बेस्ट टेकरी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी बता चुका हूँ, ठीक है। और एक आप लोग सुनते हैं कसरावत का स्तूप, कसरावत का स्तूप, ये कहाँ देखने को मिलेगा, खरगोन जिले में,
ठीक है, खरगोन जिले में। यहाँ से आप लोगों को 11 मौर्यकालीन स्तूप देखने को मिले हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप लोग और सुनते होंगे, ये सभी आपके अशोक से जुड़े हुए हैं, मौर्य काल से जुड़े हुए हैं लगभग, ठीक है। देव कोठार का स्तूप, कोठार ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ये रीवा में देखने को मिलेगा। और मौर्य कालीन एक तरह से बौद्ध स्तूप पाए गए यहाँ, कहाँ, रीवा, आर से आप लोग रीवा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और एक आप लोग और सुनते हैं, बेसनगर विदिशा का स्तूप, बेसनगर, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो विदिशा में पड़ता है, ठीक है। और याद रखिए ये प्राचीन जैन और ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेसनगर विदिशा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि बेसनगर की यानी कि इसका उत्खनन किसने करवाया था, तो 1314-15 में, 1913-14 में आप देखेंगे यहाँ श्री डी आर भंडारकर ने इसका उत्खनन करवाया था। और यहीं आप लोग देखेंगे हेलियोडोरस का स्तंभ भी देखने को मिलेगा, जो आप जानते हैं कि वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और बेसनगर जो है ये गुप्त शासकों से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनके भी समकालीन रहा है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना। इससे आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ है और किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है और विदिशा में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी है आपके, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे मौर्य उत्तर युग में चलते हैं, किसमें, मौर्य उत्तर युग में, ठीक है। मौर्य उत्तर की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें आप लोगों को, इस मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, तो इसमें आप लोगों को एरंतीपुरी, महिष्मती, भागील, विदिशा, अवंती, पद्मावती, इन क्षेत्रों का काफ़ी एक तरह से समय रहा है इसका, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। सबसे पहले इसमें आप बात करिए सुंग वंश के बारे में, सुंग वंश के बारे में इससे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, सुंग काल या सुंग वंश, तो इसका समय रहता है, आप जानते होंगे कि 187 या कहीं कहीं आप लोगों को डेट मिलेगी, मुझे लगता है डेटों से कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका कहीं कहीं आप लोगों को 187 मिलता है, कहीं 184 भी मिल जाता है। 187 ईसा पूर्व से लेकर आपका 75 ईसा पूर्व यानी कि बीसी के आसपास का टाइम मिलता है, तो ये आप लोग याद रखिए, डेट को मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सुंग जो थे ये मूलतः उज्जैन के आसपास के ही थे, ठीक है, और मौर्यों की सेवा करते थे। और आप जानते होंगे कि पुष्य जो आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जो वह दत्त, वह दत्त, इसकी हत्या किसने की थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र सुंग ने, और इसी ने आप देखेंगे सुंग काल की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो आप लोगों को बता देना है बृहदत्त, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसकी हत्या किसने की थी, तो याद रखिए पुष्यमित्र सुंग ने, और सुंग काल की, सुंग वंश की स्थापना भी इसी ने की थी, ठीक है। और एक नाम सुनते हैं आप लोग सुंग वंश में, एक आप लोग काफ़ी नाम सुनते हैं अग्निमित्र, जो आप देखते हैं कि पुष्यमित्र सुंग का एक तरह से बेटा हुआ करता था, क्या, अग्निमित्र। तो ये आप देखेंगे इसके बारे में बड़ी एक चर्चा रहती है, इसके प्रेम प्रसंग की काफ़ी चर्चा, क्वेश्चंस भी बन जाता है इससे। तो ये विदिशा का प्रांतपति हुआ करता था, किसका, विदिशा का, ठीक है, विदिशा का प्रांतपति हुआ करता था। और आपको बता दूं कि इसने एक मालविका, आप जानते हैं इनसे काफ़ी इनका एक तरह से प्रेम प्रसंग रहा है, और इसी को आधार बनाकर आपने देखा होगा कि मालविकाग्निमित्र जो एक तरह से रचना लिखी गई है कालिदास के द्वारा,
ये इन्हीं की इन्हीं से संबंधित है। आपसे काली इससे मालवी का अग्निमित्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके द्वारा लिखी है, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और किससे संबंधित है, तो पुष्यमित्र का जो बेटा था अग्निमित्र और विदिशा का प्रांत भी रहा है, और इसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी मालविका, इसी से संबंधित है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आराम से आप लोग देख लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। यूनानी राजदूत के समय भी इसी का समय है, इसी के समय में एक देखेंगे आप लोग, सुंग वंशों के समय में ही यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। कौन सा? हेलियोडोरस। और इसी ने, आप देखेंगे कि जो गरुड़ स्तंभ देखते हैं ना आप लोग बेसनगर का, इसी ने बनवाया था। इसी ने क्या करवाया था? बनवाया था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, हेलियोडोरस। ये एंटिया एंटीआल किडस का राजदूत हुआ करता, ग्रीक राजा का। ठीक है, तो आप लोगों याद रखिए। और हेलियोडोरस विदिशा आया था, उसने ही भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ जो था इसे बनवाया था। इसे वर्तमान में आप लोग खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं, खाम बाबा के नाम से। तो ये भी आप लोग याद रखिए। राइटिंग तो देखिए बड़ा मुश्किल आ रही है, तो मुझे लगता है कि बोल रहा हूँ तो आप लोग कनेक्ट होते रहते होंगे। ठीक है, और आप देखेंगे सुंग वंशों ने ही जो भरहूत का आप लोग बौद्ध स्तूप देखते हैं ना, भरहूत का, यह सुंग वंशों ने ही पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, जैसे आप सोचिए कोई क्षति हो जाए तो उसकी सुधार करवा दें, तो उसे ही आप लोग पुनर्निर्माण भी कह देते हैं। भरहूत का जो बौद्ध स्तूप था, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सुंग वंश ने। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप की चार दीवारी प्रवेश द्वार भी सुंग काल में ही बनवाया गया था। या पूछ लिया आपसे कि सांची के स्तूप के चार दीवारी प्रवेश द्वार किसने बनवाया था, तो याद रखिए सुंग वंश, सुंग काल में ही बनवाया गया। ठीक है, सांची के स्तूप में। ये कहाँ पड़ता है सांची का स्तूप, पहले भी बता चुका हूँ, कहाँ पड़ता है? रायसेन में। ये भी आप लोग याद रखिए, इस तरह के वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग सातवाहन वंश पर। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सातवाहन वंश का एक तरह से सातवाहन वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो यही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सातवाहन वंश, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की थी सिमुक ने। इस नाम को याद रखिए, सिमुक, सिमुक, देखिए सिमुक ने, बड़ा मुश्किल है पेन चलाना, समझ रहे हैं? सिमुक ने की थी, सिमुक। ठीक है, याद रखिए। इसमें आप देखें कि इसमें एक शासक हुआ आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसने सांची के स्तूप के दक्षिणी द्वार के शिलालेख में भी इसका नाम वर्णन देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, एक सातवाहन शासकों में आप लोगों को एक नाम मिलेगा श्री सात, श्री सात का नाम। और इसका नाम इसलिए मिलेगा कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके नामांकित सिक्के उज्जैन हो, देवास हो, होशंगाबाद हो, जबलपुर हो, यहाँ से काफ़ी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और एक आप लोग नाम सुनते हैं सातवाहन में, एक वशिष्ठीपुत्र फुलगामी, वशिष्ठी, वशिष्ठी, वशिष्ठी पुत्र फुलगामी, फुलवामी, फुलवामी। इनका आप देखेंगे कि इनके सिक्के आप लोगों को देखने को मिलेगा भेलसा और देवास के आसपास। ठीक है, भेलसा और देवास में, इन्हें भी आप लोग याद रखिए। और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सातवाहन वंश में अंतिम सातवाहन शासक हुआ यज्ञश्री, यज्ञश्री सातकर्णी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? सातकर्णी, तो इसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
कि ये इसके सिक्के आपको बेसनगर, तेवर, देवास से आप लोगों को काफी देखने को मिलेगा, और त्रिपुरी से आप देखेंगे सातवाहन के शासकों के द्वारा जारी शीशे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। शीशे के सिक्के आप लोग जानते हैं ना, तो ये भी काफी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी रहती है आपकी सातवाहन शासकों की। इन मुझे लगता है कि इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछ लेगा जरूर, ठीक है, अगर आएगा तो। सर चलते हैं हम लोग आगे, किन के बारे में बात करते हैं? कुषाणों के बारे में। कुषाण वंश के अगर संस्थापक की अगर बात करें हम लोग, कुषाण, कैसे आपका कुषाण, कैसे कुषाण, ठीक है। तो इसके अगर वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो कुजुल, क्या इसका संस्थापक रहा है कुजुल, कड़फिसस, कड़फिसस, ठीक है। तो इसने स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कुषाण वंश के संस्थापक कौन रहा है, तो आप लोगों को याद रखना है कुजुल कड़फिसस, ठीक है। और इससे वंश का अगर सबसे पितापी राजा की पूछे, सबसे महान राजा की, तो कनिष्क रहा है। कौन रहा है? कनिष्क रहा है। कनिष्क, इसका नाम आप लोग काफी सुने होंगे, जब भी इतिहास में पढ़े होते होंगे तो कनिष्क। और इसकी राजधानी रही है कनिष्क की, कहाँ? फूरसपुर, या जैसे आप लोग पैसापुर के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और याद रखिए, कुषाणों की द्वितीय राजधानी, दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। और कनिष्क आप देखते हैं कि 78 AD में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और इसने एक संबद्ध भी चलाया था जिसे आप लोग शक संबद्ध के नाम से जानते हैं, 78 AD को, ठीक है, जो आप देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इससे भी आपका क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया गया है। तो कनिष्क ने ही आपका शक संबद्ध चलाया था जिसे भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है, और 78 ईस्वी से ये चलाया है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और इसी के कुषाण वंश के शासक एक और कनिष्क का उल्लेख आप लोगों को मालवा के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा इसी का। और इसने क्या किया था कि शकों को हराकर इस क्षेत्र में कब्जा किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और ये आप लोगों को देखने को मिला गया कि सांची, सांची और भेड़ाघाट के बारे में तो सुने होंगे, और मुझे लगता है कई लोग आप में से गए होंगे सांची और भेड़ाघाट। तो यहाँ से आप लोगों को एक लेख मिलेगा भेड़ाघाट। इसमें क्या मिला है? इसमें कनेक से संबद्ध का एक लेख मिला हुआ है, और जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और याद रखिए जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी, एक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। इससे जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है पूछ ले, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे बसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, जो आपकी चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और याद रखिए ये भी, अगर पूछे कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, तो महायान, किससे? महायान संप्रदाय से। ये भी आप लोग हीनयान और महायान के बारे में सुनते हैं ना, उसी से जुड़ा हुआ था महायान, ये भी आप लोग। और आपसे क्वेश्चन इस तरह के भी पूछा जा सकता है कि कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। तो एक तो आपको याद रखना होगा अश्व घोष, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे दूसरे थे आचार्य नागार्जुन, जिन्हें आप लोग भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, ठीक है। पार्श्व भी इसमें मिलेंगे आप लोगों को, वसुदेव भी मिलेंगे इसमें, मातचिट भी देखने को मिलेंगे, संगरक्ष, चरक, जिन्होंने चरक वही है जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। फिर आता है आपका नागवंश। क्या आता है? नागवंश। कुषाणों के बाद आप देखेंगे कि नागवंश आता है, और इसने आप देखेंगे पद्मावती ग्वालियर को बनाया था राजधानी। किसने? नागवंश ने। ग्वालियर जानते हैं, पद्मावती ग्वालियर। और स्थापना की बात करें तो विदिशा में इनकी स्थापना हुई थी, और ग्वालियर से मथुरा तक इन फैला हुआ था इनका शासन, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। कुषाणों के बाद नागवंश। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका एक नागवंश का एक शासक हुआ करता था संस्थापक बृषनाथ, इसके सिक्का आप लोगों को विदिशा में देखने को मिलेंगे। कहाँ से? विदिशा से।
ठीक है। और इनसे सिक्के मिलने का ये मतलब होता है कि यहाँ से कम ये जुड़ा होगा, तभी तो मिल रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जुड़े रहते थे, तो ये भी आप लोग याद रखिए। फिर आप लोग एक बौद्धि या फिर मग वंश के बारे में भी सुनते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि जबलपुर के जो बौद्धि वंश थे, तो ये त्रिपुरी के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इनके चार वंश शासकों के सिक्के मिले हैं, जिनमें आप श्री बौद्धि देखेंगे, बसु बौद्धि, चंद बौद्धि, शिव बौद्धि। और बघेलखंड के अगर मग वंश के बारे में बात करें, तो इसमें आप देखेंगे बघेलखंड में क्षेत्र में इनका शासन हुआ करता था। इनमें कुछ शासक मिलते हैं जिनमें भीमसेन हो गया, भद्रमग, शिव मग, ठीक है, इन्हीं के नाम एक सामान्य जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। फिर आपका आता है गुप्त काल, और इससे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि पूछा भी जाता है, क्या इनसे क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है और जाता भी है। गुप्त काल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनकी डेट के बारे में देखिए, बड़ा प्रॉब्लम, कई किताबों में कुछ मिलता है, कुछ में कुछ मिलता है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 280 ईस्वी से आपका 550 ईस्वी के आसपास माना जाता है, छोड़िए। आपसे क्वेश्चंस क्या बनेगा, इसकी गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए श्री गुप्त कौन थे, श्री गुप्त ने की थी। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपसे पूछे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी और श्री गुप्त ना उसमें शामिल हो, तो आपसे एक शामिल होगा चंद्रगुप्त प्रथम, तो या फिर वास्तविक संस्थापक भी इसे माना जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा बड़ी अच्छे से। और अगर इसकी गुप्तकाल की राजधानी की बात करें, तो पाटलिपुत्र पटना हुआ करती थी, ये भी आप लोग याद रखिए। और इसमें हम लोग महान शासकों की बात करें गुप्त वंश में, तो आप लोग देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, इसकी उपाधि आप लोग देखते होंगे कि महाराजाधिराज गुप्त संवत की शुरुआत इसी ने की थी 319 में, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिए। एक नाम और आप लोग सुनते हैं, एक नाम सुनते हैं आप लोग समुद्रगुप्त के नाम में, के नाम समुद्रगुप्त, इसे आप लोग देखते हैं कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन से भी कई बार पूछा जा चुका है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, एस से समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसके आप देखेंगे सागर जिले में एरन का निर्माण करवाया था, ठीक है, इसने समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल में आप देखेंगे उदयगिरि की गुफाओं में सिंहबा के मंदिरों का भी उल्लेख आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर गुप्त काल के हम लोग अभिलेखों की बात करें, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लेता है, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो आप देखते हैं क्या, मंदसौर का अभिलेख, किसका, मंदसौर का अभिलेख, मंदसौर पहले भी बता चुका हूं, तो आप देखेंगे कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का मंदसौर में अभिलेख देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग मंदसौर को दसपुर के नाम से भी जानते हैं, और पश्चिमी मालवा में स्थित था ये, ठीक है। और दसपुर में आप देखेंगे एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था, ठीक है। और इस अभिलेख में आप देखेंगे संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया, ठीक है। और इसमें इस तरह से इसका कहने का मतलब कि उस समय की जो भी रीति रिवाज रहे हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जो भी अवस्था थी, उसी का प्रभाव इस पर पड़ा है, किस पर, मंदसौर अभिलेख पर, ठीक है। कुमारगुप्त आप लोगों को याद रखना, द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था, अभिलेख बनवाया गया था। एक आप सुनते हैं उदयगिरि शिलान्यास, ये उसे उदयगिरि शिलान्यास, तो ये आपको रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति का इस स्थान पर पार्श्व मूर्ति की स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपका गुप्त काल से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सांची का स्तूप के बारे में पहले भी बात की है, अशोक के काल से भी जुड़ा हुआ है, मौर्यवंश से भी, और सांची अभिलेख एक गुप्त काल से भी जुड़ा हुआ है। सांची से प्राप्त एक अभिलेख में आप देखेंगे हरिस्वामी द्वारा काकनाद बोट में स्थित यहाँ के आर संघ को धन दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। सांची का अभिलेख यानी कि कहने का मतलब है कि इसके एक तरह से अभियान की पुष्टि करता है, ठीक है। देवी चंद्र गुप्तम और उसकी उपाधि हुआ करती थी साकारी, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि चंद्रगुप्त ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी भी बनाया था, ये आप लोगों को याद रखना होगा। और चंद्रगुप्त में के ही दरबार में आप देखेंगे नवरत्न हुआ करते थे, कौन कौन से थे, इन लोगों को भी आप लोग याद रखिए। चंद्रगुप्त के अगर विक्रमादित्य के हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों की बात करें, तो इसमें आपके कालिदास भी शामिल थे इसमें, कैसे कालिदास, बेताल भट्ट थे,
बेताल भट्ट थे और वराह मिहिर भी थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे धनवंतरी भी थे, उसके बाद आप देखेंगे अमर सिंह भी थे इसमें, वर रुचि भी थे, और उसके बाद घट करपर भी थे, ठीक है। उसके बाद छनपग भी थे, उसके बाद सुख भी थे। इनसे पूछा जा सकता है कि नौ रत्नों के बारे में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार और बता देता हूँ, सुन लीजिए। कालिदास, बेताल भट्ट, वराह मिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह, बररुचि, घट करपर, छनपक, सुख, ठीक है, सुख, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए। आगे आप देखेंगे सांची अवलेख की बात कर चुका हूँ मैं। तुमेन अवलेख, ये भी आपका गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। तुमेन अवलेख की बात करें तो ये गुना जिले में देखने को मिलेगा, वो कुमार गुप्त से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और ये एरन अवलेख की बात कर चुका हूँ, एरन अभिलेख, तो ये आप लोगों को सागर जिले में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन इससे बन जाता है कि एरन अभिलेख कहाँ है, सागर जिले में, और इसका नाम आप देखेंगे सौभोग नगर था, ठीक है। और एरन अभिलेख वही है जो हूनों की उपस्थिति को बताता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और गुप्त काल में ही आप देखेंगे बाघ की गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जो ग्वालियर के पास बाघ नामक स्थान पर आपको विंध्य पर्वत को काटकर एक तरह से दिखाए। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आप देखेंगे संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास भी रहे हैं, जिनके बारे में बात भी की है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही आप देखेंगे आर्यवेदांत वेदाचार्य धनवंतरी थे, ये भी रहे हैं, ये भी आप लोग देखते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिए। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, या चंद्रगुप्त सेकंड को आप जानते हैं कि विक्रमादित्य के नाम से भी आप लोग जानते थे, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि इनके नौ, जो भी आपके नौ रत्न रहे हैं, इनके बारे में जरूर याद रखिए आप लोग, ठीक है। और गुप्त काल की अगर आपसे क्वेश्चन की जाए, जो पुराण हुआ करते थे इसकी वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। गुप्त काल की अगर राजभाषा की बात करें तो प्राकृत में देखने को मिलेगी, क्या, प्राकृत, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। गुप्त काल में चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे, इन्हें रुपये का कहते थे, क्या कहते थे, रुपये का, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो याद रखिए, कुछ आपकी स्मृतियाँ भी हैं, इनकी रचना भी आप देखेंगे गुप्त काल में हुई है। इनमें कौन कौन शामिल हैं, एक तो आप देखते हैं यज्ञवल्क स्मृति की रचना भी गुप्त काल में हुई है। नारद की भी आपकी स्मृति की भी आप देखेंगे गुप्त काल में हुई है। कात्यायन की भी आप देखते हैं कि गुप्त काल में ही इसकी रचना हुई है। और बृहस्पति स्मृति की भी आप देखेंगे गुप्त काल में भी एक तरह से रचना हुई है। इन्हें भी आप लोग याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ, तो याद रखिए गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और याद रखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कई बार, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो ये गुप्त काल ही रहा है, क्या रहा है, गुप्त काल। या आपसे पूछे कि गुप्त काल यानी कि स्वर्ण युग, भारत के इतिहास का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को। किसी भी तरह का क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, तो ये भी है, मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस आराम से याद रखना होगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, एक बर्मा वंश के बारे में भी यहाँ काफ़ी मध्य प्रदेश के बारे में ये सूचना मिलती है। तो इसके एक तरह से इससे जुड़ा हुआ था सिंह वर्मा, जिसका शासन माना जाता है कि मालवा के क्षेत्र पर रहा है, ठीक है, तो याद रखिए, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक हूण आक्रमण के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो स्कंदगुप्त के एक तरह से आप कहिए कि स्कंदगुप्त के समय आप देखेंगे कि हूणों का आक्रमण देखने को मिलता है, ठीक है, और आप देखेंगे, और हूणों को एक तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हूणों को के आक्रमण को किसने दबाया था, किसने उसे हराया था हूणों को, तो याद रखिए स्कंदगुप्त हुआ करता था, स्कंदगुप्त, ठीक है, ये भी गुप्त काल से ही जुड़ा रहा, ये भी आप लोगों को
मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के अन्य राजा, अन्य जो शासक रहे हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुझे लगता है पूछा भी जाना चाहिए। क्यों पूछा जाना चाहिए? क्योंकि आप देखते हैं ना। तो इसमें एक मिलता है आपका परमार वंश। क्या मिलता है? परमार वंश। क्या मिलता है? परमार वंश। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वैसे तो आप देखेंगे बहुत सारे वंश मिलेंगे, तो आप लोग परमार वंश की बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि परमार वंश का संस्थापक आपका उपेंद्रराज था। उपेंद्रराज क्या था? उपेंद्रराज इसका संस्थापक था। किसका? परमार वंश का। ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। और याद रखिए इसकी राजधानी हुआ करती थी धारा नगरी, जिसका प्राचीन नाम एक तरह से अवधार, समझ रहे हैं। और इनकी परमारों की प्राचीन राजधानी की बात करें तो उज्जैन हुआ करती थी। फिर आप देखेंगे इसका एक अच्छा शासक हुआ वाक्पति मुंज। कौन? परमार वंश में एक शासक हुआ आपका वाक्पति मुंज। इसका शासन माना जाता है कि लगभग 973 से 998 ईस्वी के आसपास रहा है। लेकिन इसके शासन से अधिक मतलब शासन काल में क्या हुआ है, तो एक याद रखिए, महान योद्धा भी हुआ होता था वाक्पति मुंज। ये विद्वान भी था, समझ रहे हैं आप लोग। और ये भी माना जाता है कि मालवा में स्वर्ण काल का युग आरंभ हुआ था इसकी वाक्पति मुंज के ही समय। उसने आपने देखेंगे धार में एक मुंज सागर झील का निर्माण भी करवाया था। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मुंज सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? वाक्पति मुंज ने, ठीक है। मुंज ने आप देखेंगे तो महेश्वर हो गया, या फिर आप देखेंगे उज्जैन हो गया, या फिर देखेंगे ओंकारेश्वर हो गया, ठीक है, या धर्मपुरी हो गया। इनमें भी आपने देखेंगे काफ़ी इसने सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। वाक्पति के ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाक्पति मुंज के दरबार में कौन कौन से कवि रहा करते थे, विद्वान रहा करते थे? तो एक नाम आप लोगों को याद रखना है, नव संघचरित की रचयिता पद्मगुप्त, दस रूपक की रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध, अमित गति, ऐसे इस तरह के विद्वान भी इसके एक तरह से राज्य में रहा करते थे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। परमार वंश का एक सबसे शक्तिशाली और काफ़ी चर्चित राजा हुआ है राजा भोज। तो राजा भोज आपके परमार वंश से ही जुड़े थे, राजा भोज, ये भी आप लोग याद रखिए, राजा भोज, ठीक है। और आप जानते हैं कि भोपाल के दक्षिण में भोजपुर जो नामक झील थी, इन्होंने ही निर्माण करवाया था, ठीक है। भोज सर भी कहते हैं इसे, भोज झील भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, भोपाल में देखने को मिलेगा। और भोपाल को कहने का मतलब है कि भोज, राजा भोज के नाम पे ही एक तरह से बसाया गया। और इसने आप देखेंगे चिकित्सा हो, गणित हो, व्याकरण हो, इसने कई इस तरह के ग्रंथ भी लिखे हैं राजा भोज ने। आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा शासक था। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे कि कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था परमार वंश का? तो राजा भोज ही था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। जब भोज ने, देखिए भोज ने अपनी राजधानी धार बनाई थी, तो यहाँ एक सरस्वती मंदिर भी बनवाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धार में जो सरस्वती मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भोज ने, ठीक है। और याद रखिए इस मंदिर, जो सरस्वती मंदिर है, इसके परिसर में संस्कृत संस्कृत विद्यालय भी खुला था। तो संस्कृत का प्रेमी भी कह सकते हैं आप लोग, संस्कृत विद्यालय भी राजा भोज ने ही खोला था। और आप समझ सकते हैं कि राजा भोज के समय धारा नगरी विद्वानों और विद्या और विद्वानों का केंद्र रहा करता था। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, राजा भोज ने आप देखेंगे कि जो धारा एक तरह से चित्तौड़ था, चित्तौड़ यहाँ उसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिए ये राजा भोज ने करवाया था चित्तौड़ में, ठीक है।
भोजपुर नगर की स्थापना भी आप समझ सकते हैं कि राजा भोज ने ही करवाई थी। और आपसे दो क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं, राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका आयुर्वेद, सर्वस्व, ये राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथ है, याद रखिए। और दूसरा कौन सा है, इसमें दूसरा है आपका सम रांगड़ सूतधार। सूतधार, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग अगले शासक के बारे में बात करते हैं, हम लोग चंदेल वंश के बारे में। देखिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे वंश रहे हैं इसमें, कोई एक तरह से आप कह भी नहीं सकते हैं कि कोई, लेकिन हम लोग बिना, आप लोग समझिए कि जिनसे क्वेश्चंस बनते आए हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर विस्तार से ही पढ़ना था तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो अगर चंदेल वंश के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि इनका शासन बुंदेलखंड के आसपास काफ़ी रहा है, और आप देखते हैं जो खजुराहो जुड़ा हुआ है ये चंदेल वंश से ही जुड़ा हुआ है। चंदेल, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है, चंदेल वंश। इनसे क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जा सकता है, तो इनसे क्वेश्चंस आपका सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है। प्रतिहारों के बाद आप देखेंगे इनका शासन रहता है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जजाक भुक्ति, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, जजाक भुक्ति, ये क्वेश्चंस जरूर आ सकता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे जरूर क्वेश्चंस पूछा भी जाना चाहिए। तो एक था नन्नुक भी कहते हैं इसे आप लोग, और एक नन्नुक या फिर नानुक, दो भी नाम जो भी मिले आप लोग लगा दीजिएगा, नन्नुक भी मिलता है कहीं कहीं और नानुक भी मिलता है, ठीक है। और इसकी राजधानी हुआ करती थी महोबा, इसकी पहले तो प्रारंभ में इसकी राजधानी महोबा, कलिंजर महोबा हुआ करती थी, और बाद में देखेंगे इसने अपनी, इनकी राजधानी खजुराहो आ गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिए, 9वीं सदी के आसपास की बात है, ठीक है, तो ये भी आप लोग। और चंदेल जो राज है ये राजपूतों का 36 राजवंशों में से एक माना जाता था इसमें भी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी पूछे तो कलिंजर महोबा, और इसकी राजधानी उसके बाद कहाँ, खजुराहो। सबसे पितापी राजा हुआ है चंदेलों में एक, जिसका क्या नाम था, यशोवर्मन, यशोवर्मन, ठीक है। यशोवर्मन के बारे में अगर हम बात करें कि यशोवर्मन ने, आप देखें, कन्नौज पर भी आक्रमण किया था, और प्रतिहार राजा जो देवपाल था इसे हराया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। और आप देखेंगे विष्णु की प्रतिमा भी प्राप्त की थी, और जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में भी स्थापित किया हुआ था, किसने, यशोवर्मन ने, ठीक है। और इसी में एक आपका चंदेल वंश में एक राजा हुआ है धंग, धंग देव, यानी कि धंग, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है कि कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित इसी ने राजधानी की थी, किसने, राजा धंग ने, ठीक है। ग्वालियर फिर भी इसने अधिकार जन्माया था। और आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मंदिरों के बारे में क्वेश्चंस जरूर आता है, यहाँ से क्या आता है, यहाँ से मंदिरों के बारे में क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है, और पूछा जाना भी चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछा भी जाना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो आपका पार्श्वनाथ मंदिर हो, या फिर आप देखते हैं विश्वनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर,
या फिर जिन्ननाथ मंदिर, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? राजा धंगदेव ने, ठीक है, जो एक तरह से आप समझते हैं ना कि बुंदेलखंड में खजुराहो पड़ता है, अब तो आपका छतरपुर जिले में पड़ता है लेकिन बुंदेलखंड का क्षेत्र ही है, तो राजा धंग ने ही आपका आपका देखिए जो आपका चाहे जिन जितनाथ का मंदिर हो, विश्वनाथ का मंदिर हो, बैद्यनाथ का मंदिर हो, या फिर आप समझिए कि पार्श्वनाथ का मंदिर हो, या आप समझिए यहाँ का जो कंदरिया महादेव मंदिर हो, ये भी आप देखेंगे किसने, इसी ने इसका, तो राजा धंग ने, धंगदेव ने निर्मित करवाया था। और कंदरिया महादेव मंदिर काफ़ी प्रचलित भी रहा है, तो याद रखिए 1999 की बात है, ठीक है, आसपास इसने बनवाया था। और यहाँ एक और धंग के पुत्र जो गंड था, राजा गंड, तो इसने भी आप देखिए कि इसने विष्णु जो वैष्णव मंदिर है, चित्रगुप्त नामक मंदिर है खजुराहो में, इसका नाम आप देखिए राजा गंड ने करवाया था। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, वैष्णव मंदिर जो खजुराहो का वैष्णव मंदिर है और चित्रगुप्त मंदिर है, इन दोनों का निर्माण राजा गंड ने करवाया था, ठीक है, आप लोग याद रखिए, ये भी आप लोग, अगर इसमें आपसे अगर क्वेश्चंस पूछता है कि चंदेल वंश की वंशावली में तो नानक हो गया, वाक्यापति, जय शक्ति जिसे आप लोग जजाक के नाम से, विजय शक्ति, विजयक, राहिल, हर्षदेव, यशोवर्मन, धंग, गंड, विद्याधर, ये सभी इस समय के एक तरह से आप कह सकते हैं कि शासक थे, किसके, चंदेल वंश के, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और अंतिम माना जाता है कि विद्याधर, विद्याधर से काफ़ी आप समझिए उसके बाद काफ़ी यहाँ हाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि महान शासक हुआ करता था, लेकिन वैसे अंतिम योग्य शासक की बात करें तो परमार्दी देव को माना जाता है। और उसके बाद अंतिम, बिल्कुल अंतिम बात करें अंतिम ज्ञात शासक की चंदेलों में, तो हमीर बर्मन को माना जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इससे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है चंदेल वंश से, आलाउदल ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में अत्यधिक शौर्य के साथ युद्ध लड़ा था, जो याद रखिए किसके सेनापति थे, आलाउदल, परमार्दी देव के, आलाउदल के बारे में अगर हम, मुझे लगता है कि आप बुंदेलखंड क्षेत्र से होंगे तो काफी इनका नाम सुनते होंगे, आलाखंड आप लोग सुनते भी होंगे, यहाँ के लोग काफी पसंद करते हैं, परमार्दी देव इन्हीं के सेनापति हुआ करते थे आला और उदल, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और पृथ्वीराज चौहान सुनते हैं ना, उन्हीं से युद्ध में आप देखते हैं कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने लड़ा था। और अंतिम ज्ञात शासक की बात कर ही चुका हूँ कि कौन हुए, यहाँ के हुए आपके विद्याधर, माफ करिए, हमीर बर्मन। वर्मन, ठीक है, इनका शासन माना जाता है कि 1288 से लेकर 1288 से लेकर 1330 के आसपास माना जाता है, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद भी रखना होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं, इससे भी आपके क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के इतिहास में काफ़ी इसका भी प्रभाव रहा है, और इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में क्या करेंगे, देखिए अभी कुछ समय बाद हम लोग एक तरह से मध्य प्रदेश के जो भी राजवंश रहे हैं उनका क्षेत्र रहे हैं इस पर एक सामान्य जानकारी दे देंगे, जिससे आपका क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे अगर हम लोग, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1019 के आसपास, 1019 के आसपास आप देखेंगे महमूद गजनवी ने कलिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया। ये दोनों आपके क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं,
मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1995-96 में आपका मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के सलचन और लोहा या फिर लोहांग देव के नाम से भी जाने थे, यहाँ भी आप इन्होंने आक्रमण किया। फिर आप देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश, इसका एक शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप देखेंगे इसने 1202 से लेकर 1203 इस समय इसने बुंदेलखंड में 1202 से लेकर 1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था, और जो चंदेल शासक था ना परमारदी देव, इसे पराजित किया था। और महोबा और खजुराहो को किसने अपने अधिकार में ले लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और ऐबक का पहला आक्रमण की बात करें तो उज्जैन पे हुआ था, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं इल्तुतमिश का, आप लोग नाम सुनते हैं तो याद रखिए इल्तुतमिश ने, आप देखेंगे कि मांडू हो गया, ग्वालियर हो गया, मालवा हो गया, इसे जीता था। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि मांडू, सबसे पहले मांडू और ग्वालियर या मालवा को दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने जीता था, तो इल्तुतमिश ने। और आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो आपका उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, इसकी लूटपाट किसने की थी, किस शासक ने? इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। ये आप लोगों को नाम याद रखना होगा, ठीक है। इनका शासकों का देखिए, ये जो भी शासक आए हैं भारत में, जिन्होंने भी शासन किया है, इनका लूटना ही था। और आप समझ सकते हैं कि आज सोचिए आप लोग की मंदिरों में कितना सोना पड़ा रहता है, तो उस समय आप लोग समझिए कि लूटने के बाद भी आजकल अभी भी आप समझ सकते हैं कितना मंदिरों में सोना पड़ा हुआ है। और याद रखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर फतिहारों को भी पराजित किया था, कब? 1231 की बात है, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और इल्तुतमिश ने ही आप देखेंगे शिवपुरी पर भी काफी समय तक एक तरह से आप कह सकते हैं आक्रमण किया था इसने। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इल्तुतमिश को किस मध्य प्रदेश के किस शासक ने पराजित किया था, तो ये था छह देव। इसने कब किया था? 1234 में, 1234 की घटना है, 1234 के आसपास, ठीक है, ये भी आप लोग एक तरह से याद रखिए। महाकालेश्वर मंदिर इल्तुतमिश ने एक तरह से जीता, ये आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए। फिर आप देखते हैं, एक नाम सुनते हैं, जो मालवा का शासक हुआ करता था, क्या नाम था उसका? महलकदेव। इसे किसने पराजित किया था? अलाउद्दीन के सेनापति एन उल मुल्क ने, बड़ा नाम अजीब रहता था इनका, मुल्क ने, मुल्क मतलब एक देसी हो गया, ठीक है। तो इसने पराजित किया था, ये भी आप लोग याद रखिए। उसके बाद आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और याद रखी कि जलालुद्दीन इसका जो खिलजी वंश का संस्थापक था, इसने भी मांडू को लूटा था। और याद रखिए ग्वालियर में एक जलालुद्दीन खिलजी ने एक ग्वालियर में एक तरह से आप कह सकते हैं एक गुम्मत का आकार का विश्राम गृह भी बनवाया था। अगर आपसे पूछता है कि ग्वालियर में एक गुम्मत आकार का विश्राम गृह किसने बनवाया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। एक किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। और ठीक है, ये भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं तुगलक वंश की। दिल्ली सल्तनत में अगला शासक आता है आपका तुगलक। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें अगर हम बात करें ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो ग्यासुद्दीन, इसके अलग अलग एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप समझिए ग्यासुद्दीन,
ग्यासुद्दीन ऐसा भी लिखते हैं, गी ग्यासुद्दीन जैसा भी आप लोगों के, ग्यासुद्दीन ग्यासुद्दीन तुगलक। तो इसके बारे में अगर बात करूं तो दमोह में, दमोह देखते ना आप लोग, दमोह के बारे में आप लोग सुनते होंगे ना, यहां इसने एक महल भी बनवाया था दमोह में, ठीक है। दमोह में ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक महल भी बनवाया था जिसका उल्लेख आप देखेंगे बाटियागढ़ जो शिलालेख है इसमें देखने को मिलेगा। मोहम्मद तुगलक की बात करें, आप लोग जानते हैं कि तुगलक वंश का था, तो इसने आप देखेंगे काफ़ी गौमठ हो, बावड़ी हो, बगीचा बनवाया इसने, संस्कृत अभिलेख भी इसने छपवाया मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में, ठीक है। एक नाम सुनते हैं फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इसका उल्लेख आप देखेंगे दुलनीपुर सागर के अभिलेख में मिलता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। फिर अगर हम बात करें इसमें तो इन्हीं में आप लोग दिल्ली सल्तनत का इसी में देखते हैं, और इसी समय आप देखेंगे तोमर राजवंश भी हुआ है, आप देखेंगे इसी के आसपास आपका दिल्ली सल्तनत के आसपास तोमर राजवंश भी हुआ है, यहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में। तो आप लोग देखेंगे इसमें काफ़ी वीर सिंह के जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था ना ये सेनापति, ये विक्रम देव के जो तोमर वंश था इसके शासनकाल में 1402 के आसपास आता है यहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है इनसे क्वेश्चंस इसी तरह का पूछेगा। अब आता है आपका मुगलों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुगलों का भी कुछ एक तरह से प्रभाव आपके मध्य प्रदेश में मुगल रहा है, और दिल्ली के बाद आप देखते हैं मुगल ही आते हैं, ठीक है। भारत में भी आप लोग पढ़ते होंगे इतिहास में, तो मुगल के बारे में सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि मुगल वंश का संस्थापक रहा है बाबर, ये आप लोग याद रखिए, और इसने जो जो युद्ध लड़े हैं उनके बारे में जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है। एक आप सुनते हैं चंदेरी का जो 1528 में युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिए जो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, और आपको बता दूं कि मेदिनी राय इसमें पराजित हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच, और बाबर इसमें विजयी हुआ था, मेदिनी राय हार गया था, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक आपका खानवा का युद्ध हुआ था, ये भी आप जानते हैं 1527 में हुआ था, तो इसमें भी आप देखेंगे जो राणा सांगा हुआ करते थे इन्हें परास्त मिली थी, मालवा पर भी नियंत्रण रहा करता था इनका, ठीक है। और आपको बता दूं 1526 में आपका पानीपत का पहला युद्ध भी तो हुआ था, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसे भी आप लोग याद रखिए, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है और बनना भी चाहिए। एक बार इन चारों युद्धों को आप लोग जरूर याद रखिए, एक पहला आपका 1526 में पानीपत का युद्ध, इसमें बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य होता है और इब्राहिम लोदी इसमें विजयी होता है, ठीक है। और 1527 में आप देखेंगे खानवा का युद्ध होता है, वैसे यहाँ पढ़ाना नहीं, ये इनका कोई मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई इनका अस्तित्व नहीं है, समझ रहे हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। 1527 में आप खानवा का लड़ाई देखते हैं, बाबर और राणा सागर के बीच होती है, इसमें भी बाबर विजयी होता है। 1528 में आप देखेंगे चंदेरी का युद्ध होता है, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो मेदिनी राय इसमें पराजित होता है और बाबर इसमें विजयी होता है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है और बाबर और अफगानों के बीच होता है और इसमें पराजित होता है, कौन, बाबर द्वारा, इसे भी अफगानों, अफगान पराजित होते हैं, बाबर विजयी होता है। और 1530 में आप देखेंगे बाबर की डेथ हो जाती है, तो बहुत जल्दी इसने निपटाए खेल, समझ रहे हैं आप लोग, उसके बाद काम खत्म हो जाता है इसका। आगे चलते हैं आप लोग, फिर आप देखते हैं कि शेरशाह सूरी का नाम भी आप लोग काफ़ी सुनते हैं, और इसकी मौत भी आपकी मध्य प्रदेश में ही हुई थी, ठीक है। और आप समझिए 1500 शेरशाह सूरी आपका 1540 से 1545 तक रहा है, आप समझ सकते हैं कि अगर लंबे समय तक मैं कहता हूँ अगर इसने शासन किया होता तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होती, समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो मुगल शासक दूसरा था हुमायूं, इसे परास्त करके आपका शेरशाह सूरी आया था,
और सूर शेर शाह सूरी का क्षेत्र आप देखेंगे मालवा हो, रायसेन हो, ग्वालियर हो, इनके अधीन ही रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कलिंजर का दुर्ग, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिए। कहा जाता है कि कलिंजर के दुर्ग को एक तरह से शेरशाह सूरी ने घेर लिया था और लगभग उस पर जीत ही हासिल कर ली थी। लेकिन याद रखिए, कलिंजर के किले से टकरा के एक बारूद का गोला इसके आसपास गिर पड़ा और वो फट गया, इसी में इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? शेरशाह सूरी की। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि मुगल काल में अकबर आता है, तो अकबर का क्या कुछ महत्व रहा है क्या मध्य प्रदेश पे? और आप जानते हैं कि मालवा का जो शासक हुआ करता था, बाज बहादुर पर आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। और जो उसकी राजधानी हुआ करती मांडू, इसको भी एक तरह से आप रानी रूपमती के बारे में सुनते होंगे ना, बाज बहादुर, तो ये काफ़ी परिचित रहे हैं। बाज बहादुर परास्त हो गया था और रूपमती ने, याद रखिए अकबर के, देखिए उस समय क्या हुआ करता था कि जैसे अकबर बाज बहादुर साहब को, बाज बहादुर को हरा दिया था इसने, और अगर रानी रूपमती आत्मदाह ना करती, अगर अपने आप को ना मारती तो अकबर ले जाता। तो इस समय की रानियां भी एक तरह से आप बड़े सम्मान हुआ करती थी, दूसरे के पास जाने से अच्छा अपने हाथों से अपनी डेथ एक तरह से कर लेती थी। ठीक है, और आगे चल के आप देखेंगे बाज बहादुर को अकबर ने अपने नवरत्नों में भी स्थान दिया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और गौड़बाना पर भी एक अकबर ने एक तरह से राज किया, कुछ समय के लिए जीता, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आप देखेंगे कि मंडला और जबलपुर पर गौड़बाना राज्य जो हुआ करता था इस क्षेत्र में, रानी दुर्गावती के समय में काफ़ी आप लोग सुनते होंगे, रानी दुर्गावती, समझ रहे हैं आप लोग, अकबर के समय की ही बात है, दुर्गावती, ये भी आप लोग याद रखिए। तो आप लोगों को बता दूं कि अकबर का एक सेनापति हुआ करता था आसफ खान ने, दुर्गावती को एक तरह से दुर्गावती के साथ युद्ध किया, और आप देखेंगे कि दुर्गावती को लगा कि मैं हार रही हूँ, तो उन्होंने अपनी ही कटार घोंप कर सुसाइड कर लिया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एक बन सकता है कि दुर्गावती की समाधि कहाँ है, तो आप लोगों को याद रखना एक बरेला में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि रानी दुर्गावती किस क्षेत्र की एक तरह से शासक हुआ करती थी, तो गौड़बाना की। ठीक है, और किन किन के बीच युद्ध हुआ था, किस युद्ध में मारी गई थी, तो आसफ खान के बीच और रानी दुर्गावती के बीच अकबर का एक तरह से सेनापति हुआ करता था। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि रानी दुर्गावती का पुत्र किससे, रानी दुर्गावती की शादी किससे हुई थी, तो रानी दुर्गावती आप जानते हैं चंदेल राजकुमारी थी, और इनकी शादी हुई थी दलपत राय साय से। ठीक है, और दलपत साय की मृत्यु आप जानते हैं कि कुछ समय बाद हो जाती है। उसके बाद रानी दुर्गावती अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन संभालती हैं, समझ रहे हैं। उसी समय आप देखेंगे कि अकबर का एक तरह से गौड़बाना क्षेत्र में एक तरह से आक्रमण होता है, समझ रहे हैं, ये भी आप लोग। एक धर्मत का युद्ध भी आप लोग सुनते हैं, इस ये भी आपका उज्जैन के पास ही हुआ था, धर्मत का युद्ध। ये कब हुआ था? 1658 की बात है। और याद रखिए किस किस के बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा, शाहजहां दारा के बीच। ठीक है, याद रखिए, आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में, मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश का क्षेत्र देख लिया, लेकिन बुंदेलखंड में मुगलों को अभी कुछ समय के लिए कुछ प्रभाव रहा है, इसे भी आप लोग देख लीजिए, इनसे भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा बघेलखंड में भी देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद ख़त्म करेंगे इसे। तो आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में आप जानते हैं बुंदेलखंड, बुंदेला के बारे में सुनते हैं ना आप लोग, रक्त सिंह सम्राट सुनते होंगे, इसने बुंदेलखंड छीना और खंबार वंश की स्थापना की थी यहाँ। ठीक है, उन्होंने आप देखेंगे गढ़ कोड़ार के बारे में आप सुनते होंगे, यहाँ इसकी राजधानी हुआ करती थी, ये भी आप लोग याद रखिए।
एक आप लोगों को याद रखना होगा, बुंदेला शासक हुआ करते थे सोहन पान। ये याद रखिए, इसने क्या किया था, किस लिए बता रहा हूँ, इसने आप याद रखिए, इसने खंगारों की शक्ति का दमन किया यानी कि उन्हें हराया और बुंदेला राज्य की नींव डाली और इसकी राजधानी इन्होंने ओरछा बनाई थी। ओरछा आज आप जान रहे हैं कि ओरछा निवाड़ी जिले में पड़ता है, उसी की बात कर रहा हूँ, ओरछा बनाई थी इसने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। पर आप देखेंगे रामचंद्र यहाँ का शासक बनता है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखा हो। मुगलों का याद रखिए, मुगलों में आप देखेंगे जो अकबर हुआ करता था, अकबर का पुत्र जो राजकुमार सलीम, जिसे आप लोग जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जहांगीर का असली नाम, बचपन का नाम क्या था, सलीम, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और याद रखिए जो बी सिंह था ना यहाँ का बुंदेलखंड का, जो आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से आपका यहाँ का शासक था, इसने ही, बी सिंह ने ही अबुल फजल की हत्या की थी, किसके, सलीम के कहने पर, याद रखिए। जहांगीर के आप समझ सकते हैं कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी, बी सिंह ने, किसके कहने पर, सलीम यानी कि जहांगीर के कहने पर। आप लोग देखते हैं कि जहांगीर महल भी आप लोगों को ओरछा में देखने को मिलेगा। फजल, ठीक है, ये भी आप लोग, और आप समझ सकते हैं कि वीर सिंह ने जब अबुल फजल की हत्या कर दी जहांगीर के कहने पर, तो ओरछा की गद्दी भी इन्हें ही मिली थी, वीर सिंह को, समझ रहे हैं। उसके बाद आप सुनते हैं जुझार सिंह के बारे में, ये भी ओरछा के नरेश हुए, और जिसने आप देखते होंगे शाहजहां के समय विद्रोह भी किया था। एक चंपत राय का विद्रोह भी आप लोग सुनते हैं, औरंगजेब की नीति के से असंतुष्ट होकर एक चंपत राय ने विद्रोह किया था, औरंगजेब के समय की बात है, ठीक है, याद रखिए। और बाद में औरंगजेब की सेना ने इन्हें घेर लिया था चंपत राय को, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, 1661 की बात है। आप समझ सकते हैं कि इस समय के राजा झुकते नहीं थे, समझ रहे हैं, दूसरे के हाथ में जाने से अच्छा है कि अपने हाथ में सुसाइड कर लें। एक 36 साल का विद्रोह भी आप लोग सुनते हैं, और स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना भी सुनते होंगे 1661 से 1707 तक, 36 साल के बारे में सुनते हैं ना आप लोग, बुंदेलखंड में काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो आपको बता दूं कि चंपत राय के पुत्र हुआ करते थे 36 साल, तो आप लोगों को सबसे पहले तो यही याद रखना होगा कि किनके पुत्र थे 36 साल, चंपत राय के, जिन्होंने आत्महत्या की थी, ठीक है। तो इन्होंने भी आप देखेंगे औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इन्होंने आप देखेंगे 1675 में आप देखेंगे 36 साल ने पन्ना को जीत लिया था, हीरा पन्ना सुनते हैं आप लोग, पन्ना में हीरा मिलता है, उसे अपनी राजधानी बनाई थी पन्ना को, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, पन्ना को अपनी राजधानी बनाई गई थी, ये आप लोग बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। और 36 साल ने आप देखेंगे मराठों से भी संधि की थी, और औरंगजेब ने आप देखेंगे 1707 में 36 साल से भी संधि की थी, और उन्हें राजा की उपाधि दी थी, ठीक है, और बाद में उन्होंने ओरछा को भी अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आप लोग याद रखिए। तो ये बघेल बुंदेलखंड का क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है मुगलों का, ये देख चुके हैं। एक और आपका बचता है बघेलखंड, इसे भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड, तो इसमें आप लोग याद रखिए बघेल राज्य का क्षेत्र का नाम हुआ करता था भत्था, समझ रहे, भत्था थाथन, जो अभी वर्तमान में आप रीवा का क्षेत्र कहलाता था। और आप से लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि रीवा का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो उसे भी आप लोग याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के समय करण बघेल के साथ कुछ राजपूतों को कलिंजर क्षेत्र भाग आए थे, यहाँ मतलब कलिंजर पर सबसे पहले आप कह सकते हैं कि बघेलखंड में, इसमें आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का कुछ समय तक संबंध रहता है।
ठीक है। और बघेल वंश हुआ करता था यहाँ, और इसी के आप देखेंगे इसी के कारण इसका नाम बघेलखंड भी पड़ा। ये भी आप लोगों को, ये भी आप लोग, और याद रखिए यहाँ आप देखेंगे बीरभान के बारे में सुने होंगे, इन्होंने हुमायूं को की चौसा की पराजय के बाद सहायता भी की थी, ठीक है। तो ये भी आप रामचंद, राजा रामचंद्रन के समय आप देखेंगे, तानसेन के एक नाम सुनते हैं, और याद रखिए तानसेन का मूल नाम आप देखते हैं तन्नामिस या रामतनु पांडे भी रहा है। तो याद रखिए अकबर के दूत अला जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र से लेकर अकबर के दरबार में पहुंचाया था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है आपसे कि तानसेन को आप देखिए किसके दरबार से लाकर किस अकबर के दरबार में लाया गया था। तो याद रखिए ये थे रामचंद्र, ठीक है, बघेलखंड के राजा हुआ करते थे रामचंद्र, इन्हीं के। और कलिंजर के दुर्ग पर भी कुछ समय तक आप देखेंगे मुगलों ने शासन भी किया यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आगे ये मध्य प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो जाता है, ठीक है। ये कहानी होती है आपकी, फिर चलते हैं हम लोग यहाँ कुछ शासकों के बारे में और बता देता हूँ, फिर आधुनिक के जो भी आधुनिक भारत का प्रभाव मध्य प्रदेश पर रहा है उन पर भी आप लोग देख लीजिए। एक तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में, अगर उनके क्षेत्रों के बारे में क्वेश्चंस आता है तो वैसे ही बता चुका हूँ, फिलहाल कुछ और जो महत्वपूर्ण नहीं थे लेकिन इनके क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कारोस वंश, कारोस वंश तो इनका क्षेत्र रहता है बघेलखंड, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद चंद वंश की बात करें जिन्हें आप लोग एल साम्राज्य भी कहते हैं, तो इनका क्षेत्र एल साम्राज्य का क्षेत्र रहता है आपका बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड तक, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप लोग सुनते हैं यादव वंश, तो इसके बारे में बात करें तो चंबल का क्षेत्र हो गया, बेतवा का क्षेत्र हो गया, कैन नदियों के जो भी इस समय का इस क्षेत्र का भूभाग था तो इनका इनका शासन रहता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप देखते हैं सुंग वंश, तो विदिशा के आसपास का जो भी आपका क्षेत्र है इस पर सुंग वंश का शासन रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सुनते हैं कामहरक वंश जिसे शकों का उपवंश भी कहते हैं, तो इनका क्षेत्र आप देखेंगे उज्जैन के आसपास का क्षेत्र इनके पास रहता है, ठीक है, तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध वंश के बारे में भी पूछा जा सकता है, नाग वंश के बारे में, तो नाग वंशों का प्रभाव आप देखेंगे विदिशा ग्वालियर पर रहता है, आपसे क्वेश्चन इसी तरह का डायरेक्ट पूछ लेगा नाग वंश का प्रभाव किस क्षेत्र में रहा है मध्य प्रदेश की, तो याद रखिए विदिशा ग्वालियर, ठीक है। बौद्धि वंश की बात करें तो जबलपुर के क्षेत्र में, क्षेत्र के आसपास रहा है इनका, ठीक है। फिर एक मग वंश के बारे में सुनते हैं, तो इनका क्षेत्र बंगेल बघेलखंड पर इनका शासन रहा है। वकाटक वंश के बारे में बात करें तो जो विंध्य प्रदेश देखते हैं मालवा विदिशा क्षेत्र, इस पर वकाटक वंश का भी आप लोग देखेंगे शासन रहा है। आहिर वंश की बात करें तो विदिशा जो झांसी का क्षेत्र हुआ करता था अहिरवाड़ा, तो इस क्षेत्र पर आप देखेंगे इनका शासक रहता है, शासन रहता है, ठीक है। फिर एक वंश के बारे में आप लोग सुनते होंगे ओलीकर वंश, ओलीकर वंश तो इनका देखेंगे आप लोग दसपुर जो मंदसौर का क्षेत्र देखते हैं आप लोग, इस पर इनका अधिकार रहता है, ठीक है, इनका क्षेत्र था। मौखरी वंश के बारे में अगर आपसे पूछे तो इनका मालवा के क्षेत्र में इनका अधिकार रहता है, ये भी आप लोग याद रखिए, दसपुर मंदसौर, ठीक है। फिर आप लोग परिव्राजक वंश, तो इनका बुंदेलखंड के क्षेत्र में रहता है इनका शासन। उच्च कल्प राजवंश का अगर बात करें तो अंचहरा जो सतना का क्षेत्र है ना, इस पर इनका शासन रहता है कुछ समय के लिए। शैल वंश की बात करें तो इसका महाकौशल क्षेत्र जानते हो, इस पर इसका शासन क्षेत्र रहता है, ठीक है। पांडवंश की बात करें तो मैकल प्रदेश जो अमरकंटक का क्षेत्र था, इस पर आपका पांडवंश का भी क्षेत्र रहा है। गुर्जर फितिहार वंश की बात करें तो उज्जैन का क्षेत्र इनके अंडर में रहा है, ठीक है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, समझ रहे हैं। गुट्टिल वंश की बात करें तो मंदसौर पर इनका शासन रहा है। और चंदेल वंश की बात करें तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आप जानते हैं कि इनकी वंश इनका शासन यहाँ रहा है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। कच्छ पछाड़ वंश इनका ग्वालियर पर रहा है। तोमर वंश की बात करें तो ग्वालियर से संबंधित था, तोमर वंश ग्वालियर से संबंधित रहा है, ये भी आप लोग याद रखिए। परमार वंश की बात करें तो मालवा धार का क्षेत्र है, ये आपका
किनसे? परमार वंश से संबंधित रहा है। होलकर वंश की बात करें तो मालवा इंदौर से आप जानते हैं कि जुड़ा हुआ रहा है आपका कौन? होलकर वंश। सिंधिया वंश की बात करें तो गुना ग्वालियर, ये आपका सिंधिया वंश के अंतर्गत रहा है। नवाब की बात करें तो भोपाल से संबंधित रहा है, ये भी आप लोग जानते होंगे। इनके सिंधिया और इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये अभी आप लोग मालूम होना चाहिए। अब आप लोग सुनिए, आप देखिए 1832 ईस्वी तक आप देखेंगे आधुनिक भारत में पहुंचते हैं हम लोग, तो इनमें 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ी चुकी थी मध्य प्रदेश में। कौन कौन थे इसमें? एक तो आप देखिए इंदौर, इंदौर में आप देखेंगे होलकर वंश। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चंस बन जाता है, तो होलकर वंश कहाँ से संबंधित है? इंदौर। धार की अगर हम बात करें तो ये रहा है आपका आनंद राव पवार से संबंधित, पवार वंश से संबंधित धार। और देवास और बड़ी प्रांति की बात करें तो ये तुकोजी राव पवार वंश से संबंधित रहा है, और देवास छोटी प्रांति की बात करें प्रांत की तो ये जीवाजी राव वंश से संबंधित रहा है। ग्वालियर की बात करें तो आप जानते हैं सिंधिया वंश से संबंधित रहा है। और आप भी आज भी देखते हैं आप लोग काफ़ी इनकी संपत्तियाँ हैं, जयविलास पैलेस के बारे में आप लोग सुनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं होलकर वंश के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना भी रहती है। किसके? होलकर वंश के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अगर बात करें हम मुगलों के पतन के बाद आप देखेंगे मालवा पर होलकर वंश का राज्य स्थापित होता है, समझ रहे हैं? और आप देखते हैं 1727 के आसपास आप देखेंगे मल्हार राव होलकर का मालवा पर कुछ समय के लिए एक तरह से शासन रहता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक बात और याद रखिए, यहाँ एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है किस तरह का, कि ये है पेशवा बाजीराव ने, आप देखेंगे ये कब की बात है, 1732 की। तो आप देखेंगे 1732 में मालवा को सूबा होलकर सिंधिया पवार के बीच बांट दिया था, ये भी आप लोग याद रखिए। 1761 में आप देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो इसमें आप देखेंगे हार मल्हार राव होलकर की मालवा में स्थिति अधिक मतलब स्थिति थी, ये भी हार गए थे इसमें, ठीक है। तो याद रखिए ये भी आप लोग, इससे ये भी आपसे अहिल्याबाई समझ रहे हैं, इन्हीं से जुड़ी हुई थी। अहिल्याबाई, अहिल्याबाई की अगर आपको बात करें तो माता अहिल्याबाई की डेथ हुई थी उन कब, 1797 में, ठीक है, याद रखिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप लोग बता सकते हैं। अहिल्याबाई भगवान शंकर की उपासिका भी हुआ करती थी, आप समझ रहे हैं, ये भी आप लोग। फिर आप देखेंगे होलकर में तुकोजी राव होलकर पे शासन करते हैं अहिल्याबाई की डेथ के बाद, ठीक है। और अहिल्याबाई की अगर शासन की हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग देखेंगे कि अहिल्याबाई का शासन काल रहता है 1767 से, इनकी जब तक डेथ नहीं हो जाती 1797 तक, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आपको बता दूं कि देवी अहिल्याबाई द्वारा राजधानी महेश्वर बनाई गई थी, ठीक है। और आप जानते हैं राजवाड़ा के अतिरिक्त राजवाड़ा भी इनकी राजधानी हुआ करती थी। और याद रखिए 1770 में अहिल्याबाई ने ही इंदपुर, जिसे आप लोग इंदौर कहते हैं ना, इसकी स्थापना की थी, ये भी आप लोग याद रखिए। और राजधानी महेश्वर से इंदौर पुनः स्थानांतरित हुई थी कब, 3 नवंबर 1818 को, ये भी आप लोग याद रखिए 1818। आपसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें
होलकर, किस होलकर राजा ने इनका समर्थन किया था? तो तुकोजी राव द्वितीय ने, ठीक है। एक और आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राजपुर घाट की संधि किस किस के बीच हुई थी? 1805 में हुई थी राजपुर घाट की संधि। इन संधियों से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बेली जली की संबंध में समय हुई थी, बेली जली के, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो यशवंत राव होलकर थे ना, इन्होंने, इन्हें चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा था। और आप समझिए कि अंग्रेजों से जब संधि कर रहे हो तो इसका मतलब आप हार चुके हैं, और हारे हुए आदमी को आप समझते हैं कि कुछ खोना पड़ता है संधि के तहत, ये भी आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक और मालूम होना चाहिए, 6 जनवरी 1818 को, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, 6 जनवरी 1818 को होलकर रियासत ने ब्रिटिश सत्ता से सहायक संधि की थी, ये भी आप लोग याद रखिए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंदौर के जो रेसिडेंसी एरिया है, या फिर आप देखते हैं इंदौर का जो प्रथम औद्योगिक विकास है, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है तुकोजी राव होलकर को, तुकोजी राव होलकर को, ठीक है। इन्हें भी आप लोग याद रखिए। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि तुकोजी राव के समय ही आप देखेंगे इंदौर में रेलवे का परिचालन हुआ था, 1875 की बात है। आप लोगों को क्वेश्चन से बताना है कि भारत में रेलवे, पहली रेलवे कहाँ चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये बताइए आप लोग नीचे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। अब बात करते हैं सिंधिया वंश के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। सिंधिया वंश, आप समझ रहे हैं, सिंधिया वंश वही है जिसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा दिया था। और आप देखते हैं कि स्पेशल आजकल आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गद्दार, और आप लोग गद्दारों को आप लोग कई सालों तक, एक तरह से आप कई समय तक एक तरह से आप क्या करते रहते हैं, राजगद्दी पर भी बैठाते रहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 1731 में एक भाग आपका मालवा का सिंधिया को भी मिला था, और उसके शासक हुए थे पहले रानोजी सिंधिया। कौन? रानोजी सिंधिया, इस नाम को याद रखिए सबसे पहले, सिंधिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे, सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे, तो रानोजी सिंधिया, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, फिर आप एक नाम सुनते हैं कि दौलत राव सिंधिया के बारे में भी, महाजी के बारे उत्तराधिकारी हुआ करते थे, इन्होंने उज्जैन के स्थान पर आप देखेंगे लश्कर ग्वालियर, सुनते होंगे ना, इसे 1810 में आप देखेंगे इसे राजधानी बनाया था, ठीक है। लश्कर, आप लोग ग्वालियर में रहते होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा। आप लोग अगर वहां रहते होंगे तो क्या होगा, मालूम ही होगा। महादजी ने ही आप देखेंगे ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए। एक जीवाजी राव के बारे में भी आप लोग सुनते हैं, इन्होंने मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में शपथ भी ली थी, कब की बात है ये, 18 मई 1948 की बात है, ठीक है, आजादी के बाद की बात है। और महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का विवाह आप जानते हैं कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया के साथ हुआ था, और विजयाराजे सिंधिया का जन्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सागर में हुआ था, ये भी आप लोग मालूम होना चाहिए। और याद रखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक रानी ऐसी भी, एक इनकी एक तरह से इनकी जीवनी थी
तो ये राजमाता विजया राजे सिंधिया की थी। किसने लिखी थी? मृदुला 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 सिंघा ने, ठीक है, सिन्हा ने। ये भी आप लोग याद रखिए। और आपको बता चुका हूँ कि 1857 की गदर क्रांति जो हुई थी, समझ रहे हैं, इसमें सिंधिया घराने ने किनका, अंग्रेजों का साथ दिया था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और आपसे क्वेश्चन से एक पूछा जा सकता है कि 1857 के समय ग्वालियर का महाराजा कौन था? जीवाजी राव, ठीक है, एक आप लोग याद रखिए। जीवाजी राव ने सिंधिया, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कहानी होती है किनकी, खत्म, किनकी, सिंधिया घराने की। उसके बाद आपकी आती है ग्वालियर से कुछ आपके और महत्वपूर्ण भी तथ्य हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। ग्वालियर से जुड़े हुए तथ्यों की अगर बात करें तो वैसे बात कर चुका हूँ, पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपसे पूछता है तो वैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ ग्वालियर में आप देखेंगे गुप्तेश्वर ने यहाँ उत्खनन करवाए थे और मानव निवास के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ, ठीक है, ये भी आप लोग। और एतरे ब्राह्मण में मध्य देश का जो हुआ करता था, इसमें आपका ग्वालियर भी शामिल हुआ करता था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और ग्वालियर अभिलेखानुसार यहाँ मेहरकुल हूण शासकों का भी शासन रहा है, ठीक है। राष्ट्रकूटों ने आप देखेंगे प्रतिहारों को हराकर तेली मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तेली मंदिर आप लोग सुनते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। और आप लोग एक सुनते होंगे बी सिंह जो तोमर था, इसने 1394 में तोमर वंश की स्थापना की थी ग्वालियर में, 1394 में, ठीक है, ये भी आप लोग। और जो ग्वालियर है इसे जाटों से महादजी सिंधिया ने छीना था, ये भी आप लोग याद रखिए। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि 1857 के जो मध्य प्रदेश के नायक रहे हैं इनसे जुड़े हुए तथ्य भी पूछ लेता है कि ये विद्रोही कहाँ से जुड़ा हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार सुने होंगे। तो एक नाम सुनते हैं विद्रोहियों में आप लोग, शेख रमजान का। ये कहाँ से जुड़े हुए थे? सागर से। इनके बारे में जरूर याद रखिए, इनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता जरूर है। रमजान ये सागर से जुड़े हुए थे 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में आप देखेंगे असरोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया था, ठीक है। एक आप नाम सुनते हैं शंकर साय, तो ये आपके गढ़मंडला से जुड़े हुए थे, ठीक है। और आप देखेंगे इन्होंने गढ़मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाए थे और इन्हें आप देखेंगे बाद में तोप से उड़ा दिया गया था। आप जानते हैं कि उस समय के एक तरह से, आज भी तो आप लोग एक तरह से सरकार के खिलाफ बोलिए आप लोगों को जेल में डाल देते हैं ना, उसी तरह उस समय भी हुआ करता था। एक आप नाम सुनते हैं राजा ठाकुर प्रसाद, इनके बारे में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जा सकता है? ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, ठीक है, अब इतना एडजस्ट कर। तो याद रखिए इन्होंने आप देखेंगे राघवपुर के आसपास इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन्हें आजीवन कारावास हुआ था इसमें। फिर आप लोग सुनते हैं श्री बहादुर के बारे में या देवी सिंह के बारे में, देवी सिंह या बहादुर सिंह, ठीक है। तो आप देखेंगे मंडला में विद्रोह इन्होंने किया था और इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है। ये यानी कि मंडला से जुड़े हुए थे 1857 की क्रांति में, ये भी आप लोग याद रखिए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जरूर आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में क्या बताना है आप लोगों को? एक तो आप लोगों को बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपका बनारस में हुआ था उत्तर प्रदेश के, और इनकी डेथ हुई थी, आप समझिए कि इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में,
आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग अगर ग्वालियर किला घूमने गए होंगे तो इनकी एक प्रतिमा भी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने तात्या टोपे के साथ काफ़ी इनका अंग्रेज़ों का विरोध भी किया। हिरोज एक नाम था, अंग्रेज सेनापति हुआ करता था इनका, इनका युद्ध हुआ और तभी इन्होंने अपनी एक तरह से हार देखते हुए इन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। एक नाम आप लोग सुनते हैं शहादत, शहादत खान। आप समझिए कि नेताओं ने हिंदू मुस्लिम बांट के रख दिया है, वरना आप समझिए कि हिंदू और मुस्लिमों में कितनी एकता रही है, आप लोग इतिहास में जाके देख भी सकते हैं। देखिए कुर्सी के लालची कुछ भी करवा सकते हैं, समझ रहे हैं, वरना हम लोगों में आप समझिए कभी इस तरह की फूट नहीं रही है। तो इंदौर के समीप जो मऊ छावनी थी, इससे जुड़े हुए हैं आपके शहादत खान, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। सुरेंद्र सिंह की अगर बात करें हम लोग, सुरेंद्र राय, इनसे क्वेश्चन आपका सुरेंद्र राय, तो ये आपके संबलपुर राज्य जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में चला गया, यहाँ से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन्होंने यही एक तरह से विद्रोह किया था, ठीक है। एक आप नाम सुनते हैं तात्या टोपे, तात्या टोपे टोपे, ठीक है। तो इनके बारे में बात करें तो कानपुर झांसी और ग्वालियर से जुड़े रहे हैं और नाना साहब के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के साथ विद्रोह भी किया था। और जानते हैं इन्हें, आप लोगों ने जाना होगा कि शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई थी, इनके साथ भी विश्वासघात ही किया गया था, ठीक है। एक भीमा नायक के बारे में भी आप लोग सुनते हैं, भीमा नायक, इनके बारे में अगर भीमा नायक के बारे में हम बात करें तो ये आपके मंडलेश्वर से जुड़े हुए थे, कहाँ से, मंडलेश्वर से, ये आप लोगों को याद रखना है। और इन्होंने निवाड़ में जो निवाड़ क्षेत्र था ना, जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है। फिर एक नाम सुनते हैं आप लोग झलकारी भाई, झलकारी भाई, ठीक है। तो ये झांसी से जुड़ी हुई थी और आपको बता दें कि जो महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, इनकी सहायता की थी इन्होंने युद्ध में, ठीक है, और कटार घोंप कर इन्होंने भी प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये भी आप लोग याद रखिए, झलकारी बाई। एक नाम सुनते हैं आप लोग टंटया भील, इनके बारे में भी आप लोग सुनते हैं, तो एक खरगोन क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। और टंटया भील के जन्म की बात करें तो 1842 को खरगोन के एक बेरी गाँव में हुआ था और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। और जी अब जब अपनी बहन सुरेखा से राखी बंधवाने गए तो तभी 1888 के करीब अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया था और फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, एक बार बोल देता हूँ आप लोग याद रखिए। शेख रंजन की अगर बात करें, ये 1857 की विद्रोही रहे हैं, इनका संबंध रहा है सागर से, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है या पूछ लेगा आपसे, टंटिया भील का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो खरगोन से, शंकर साय गढ़मंडला, राजा ठाकुर प्रसाद राघोगढ़, नारायण सिंह रायपुर, शहादत खान महू, रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी, सुरेंद्र राय संबलपुर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है, तात्या टोपे कानपुर झांसी ग्वालियर, भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन का क्षेत्र, रानी अवंतीबाई रामगढ़, झलकारी बाई झांसी, आप जानते हैं लक्ष्मीबाई की एक तरह से संरक्षिका थी। और इसमें अगर बात करें गिरधारी बाई, गिरधारी बाई अवंती बाई की अंगरक्षक थी और जो आपकी झलकारी बाई थी ये आपकी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक थी, ये दोनों नाम याद रखिए, कंफ्यूज मत हुई है। श्री बहादुर एवं देवी सिंह ये मंडला क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इनके इनसे क्वेश्चन अगर आए 1857 की क्रांति से तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए और ज़रूर आप लोग बताइए भी, क्वेश्चन अगर आते हैं तो आराम से आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या एक तरह से संबंध, क्या प्रभाव रहा है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, इनसे भी आपका क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि तीन संधियों के बारे में जरूर बता देता हूं आप लोगों को, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसमें आप देखेंगे कि हार हुई जिसमें मराठा युद्ध में आप देखेंगे मराठों की, और इसमें आप देखेंगे तीन संधियां हुई, एक तो पुरंदर की संधि, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1776 में, और एक आपकी बड़गांव की संधि 1769 में 79,
और एक है आपकी सालवाई की संधि, ये आपकी 1782 में, ठीक है, मई मार्च 1782 में, इन तीनों को याद रखिए। और याद रखिए द्वितीय अगर आपसे पूछता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन कब हुआ था, क्योंकि इसमें आप देखेंगे भोंसले हों सिंधिया हों इन लोगों ने भी भाग लिया था, ठीक है, तो पहला आपका 1775 से 82 के बीच हुआ, 1782, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा मराठा युद्ध होता है आपका आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 के बीच, और इसमें आप देखेंगे लॉर्ड बेलिजली के नेतृत्व में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को आशाए और यानी कि पराजित किया और सहायक संधि लाद दी गई। देवगांव की संधि भी आप जानते हैं इसी के बाद हुई थी, 1803 में हुई थी आपकी देवगांव की संधि, देव गांव की। तो इस संधि में ऐसा खास क्या था उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो इसमें भोंसले ने यह संधि करके अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि अपनी हार स्वीकार की थी, किसने, भोंसले ने, ठीक है। एक आपकी हुई थी सूरज अर्जुन गांव की संधि, ये भी इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अर्जुन गांव की संधि, यह कब हुई थी, 1803 की ही बात है, 1803 की ही बात है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। याद रखिए ये उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया सेना को दिल्ली के बाहर एक तरह से आत्मसमर्पण करवा लिया था, और सिंधिया और एक तरह से आप कह सकते हैं अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। एक राजपुर घाट की संधि हुई थी, राजपुर घाट, ये कब हुई थी, अगर राजपुर घाट की संधि की बात करें तो 1805 में हुई थी, कब, 1805 में, ये भी आप लोग याद रखिए। ये याद रखिए होलकर को, होलकर से हुई थी अंग्रेजों की, ठीक है, और होलकर से आप समझिए कि चंबल का बुंदेलखंड का क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो याद रखिए अंग्रेजों से, आपसे पूछे कि देवगांव की संधि कब हुई, किसके साथ हुई, तो भोंसले और अंग्रेजों के बीच, सूरज अर्जुन गांव की, सिंधिया के और अंग्रेजों के बीच, राजपुर घाट की संधि, होलकर और अंग्रेजों के बीच, ठीक है, याद रखिए। एक ग्वालियर की संधि हुई, आप जानते हैं कि कब हुई, नवंबर 1817 में, और इसमें क्या कहा गया, ये हुई थी आपकी जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स और ग्वालियर के जो शासक थे उस समय की दौलत राव सिंधिया के मध्य हुई थी, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे एक तरह से अंग्रेजों की सहायता करने की भी बात की थी, और पिंडारी जो इस समय एक सेना हुआ करती थी उसकी मदद करने का, ना मदद करने का एक तरह से इन्होंने सिंधिया ने कहा था इस तरह की, ठीक है। एक आपकी हुई थी मंदसौर की संधि, एक कब हुई, मंदसौर की संधि, इन संधियों से डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, मंदसौर की संधि ये आपकी हुई थी कब, जनवरी 1818 में, 1818 में, ठीक है। ये होलकर और एक समझिए आप लोग कि जो महादीरपुर युद्ध में होलकर की परास्त हुई थी और मंदसौर की संधि हुई थी उसकी, तो सीधा सा कहने का मतलब है कि मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और याद रखिए कि जब भी इस तरह की संधि होती थी तो कुछ ना कुछ इन क्षेत्रों को इन्हें छोड़ना पड़ता था। आप समझिए कि आप अगर हार जाते हैं तो आपको तो कुछ बदले में मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं आप लोग, आपको कुछ देना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी हार हुई है। अगर अंग्रेजों की हार होती है और संधि करते हैं, समझौता करते हैं, तब आपको कुछ मिलने की संभावना भी रहती थी। आपसे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी अगर पूछे तो इन्हें भी आप लोग बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि विद्रोह भी हुए हैं 1818 से लेकर 1857 तक, तो इनमें आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हुए हैं, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो आपका आता है महाकौशल का विद्रोह और 1818 की बात है, ठीक है, और याद रखिए महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह था, ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध था, और इसमें अप्पाजी जो भोंसले थे, अप्पाजी भोंसले, इन्होंने मंडला बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ देने हेतु बाध्य किया गया था इसी के क्षेत्र में, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इन्होंने अरबी सैनिकों की सहायता से एक तरह से विद्रोह खड़ा किया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप देखेंगे 1833 में जो रामगढ़ के नरेश थे जुझारू सिंह, इनके पुत्र हुआ करते थे देवनाथ सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरह से विद्रोह किया था, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं।
अंग्रेजों के विरुद्ध आप देखेंगे 1842 में एक हीरापुर के शासक हुआ करते थे हीरा दसाएँ, इन्होंने भी एक तरह से विद्रोह किया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और फिर आप देखेंगे चंद मधुरकर साय हों, या फिर आप समझिए कि जवाहर जवाहर हट सिंह बुंदेला हों, हीरापुर के हिरद सिंह साय हो, मदनपुर हों नरसिंहपुर के, ये लोग भी एक तरह से इस समय काफ़ी करते रहे, ठीक है, विद्रोह करते रहे। एक सुनते हैं आप लोग सागर नर्मदा घाटी विद्रोह, ये 1842 की बात है, नर्मदा सागर नर्मदा घाटी विद्रोह 1842 की बात है, डेट भी पूछ सकता है। तो ये इसका कारण था ब्रिटिश के, आप समझते हैं कि अत्याचार थे, उन्हीं के कारण एक तरह से हुआ था। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सागर नर्मदा घाटी विद्रोह का एक तरह से नेतृत्व किसने किया था, तो ये थे जवाहर सिंह बुंदेला चंदपुर के और मधुकर साय, जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर साय, इन दो नामों को याद रखिए, ठीक है, याद रखिए। अगर 1857 की क्रांति से अगर क्वेश्चंस आते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो इनमें क्वेश्चंस आपका किस तरह से आ सकते हैं, तो एक तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मेरठ में 10 मई के लगभग आप देखते हैं कि यहाँ आग भड़क उठी थी। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ सर्वप्रथम नीमच, नीमच छावनी, नीमच छावनी में आप देखेंगे 3 जून को ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, और इस समय का यहाँ का एक कर्नल हुआ करता था सोवर्स, इसे इस विद्रोह ने इसे भी विफल कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे ग्वालियर की मुरार छावनी में कब सैनिक विद्रोह हुआ था, तो ये याद रखिए ये 14 जून 1857 की बात। सबसे पहले मध्य प्रदेश में आप देखेंगे नीमच छावनी में हुआ 3 जून को 1857 को, उसके बाद मुरार छावनी की बात करें तो 14 जून 1857, ये आप लोग याद रखिए, एक आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेगा। मुरार छावनी ग्वालियर की बात कर रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि शेख रमजान ने आप देखते हैं कि सागर छावनी का नेतृत्व किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को मालूम होगा कि शिवपुरी में 20 जून 1857 को शिवपुरी में भी विद्रोह की आग भड़क उठी थी इस समय, ठीक है, और इनके जो भी नेतृत्व करता है शिव के बारे में पीछे बात कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और 20 जून के बाद ही आप लोग देखेंगे बुंदेलखंड में भी आग भड़क चुकी थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप नाम सुनते हैं 1857 की, एक तरह से आप समझिए कि जिस तरह से तत्या टोपे ने भूमिका निभाई थी, उसी तरह से सागर के आसपास बोधन धोवा ने भूमिका निभाई थी, समझ रहे हैं, तो ये भी आपके 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। मऊ छावनी में आपको बता चुका हूँ कि सादत खां के नेतृत्व में जबरदस्त विद्रोह हुआ था, और इसमें आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी जो सेनापति था कैप्टन स्टुअर्ट, ये हार भी गया था, ठीक है, और यहीं आप देखेंगे महाराजा होलकर विद्रोहियों की सहायता भी कर रहे थे, यानी कि अच्छे थे, ये कहने का मतलब। आप एक आपसे क्वेश्चन और पूछता है, देखिए 1857 की क्रांति में जो बेगम, भोपाल की बेगम सिकंदर थी, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, ना कि भारतीय विद्रोहियों की, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, भोपाल की बेगम थी सिकंदर, बेगम सिकंदर, इनको याद रखिए। और भोपाल के ही एक फाजिल मोहम्मद खान थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, आप समझ रहे हैं, यानी कि भोपाल से ही आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ मदद कर रहे हैं, एक तरफ उन्हें सहायता कर रहे हैं। आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है 1857 की क्रांति से, एक तो तत्या टोपी का मूल नाम क्या था, तो रामचंद पांडुरंग, एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, गुरिल्ला युद्ध के लिए कौन पहचाने जाते थे,
तात्या टोपे, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और तात्या टोपे को किसने पकड़ पाया था अंग्रेजों को, तो याद रखिए मानसिंह थे। कौन थे? एक मानसिंह, जिसे नरवर का नरवर के गद्दार के नाम से भी जानते आप लोग, मानसिंह। इन्होंने धोखा देकर, एक तरह से इनके साथ धोखा दिया था, जिस तरह आप देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ सिंधिया ने धोखा दिया, उसी तरह आप देख सकते हैं कि मानसिंह के साथ इन्होंने धोखा दिया। और आप जानते हैं कि 1859 को फांसी दे दी गई थी शिवपुरी में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और याद रखिए अवंती जो वाई थी ना रामगढ़ की रियासत मंडला की, एक तरह से अंग्रेज सेनापति इस समय यहाँ का था वार्डन, ठीक है, इसे भगा दिया था, आप समझ रहे हैं। तो इस समय की महिलाएं भी काफ़ी, आप समझ सकते हैं कि खतरनाक रही हैं, और आप लोग इसी से आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के एक तरह से योगदान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि MPPSC में आपका इससे भी एक टॉपिक ही दिया गया पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में जो जबलपुर अधिवेशन हुआ था ना, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है मध्य प्रदेश में आपका, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, जबलपुर अधिवेशन से मानी जाती है। और इसमें आप देखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल हों या डॉक्टर राघवेंद्र या फिर हरी सिंह गौर, इन सक्रिय कांग्रेसी नेता इसमें सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपकी काफ़ी। और एक आपसे क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है कि आपसे पूछता है कि जो एक तरह से आप समझिए कि 1899 का 1899 का जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, इसमें आप देखेंगे 1899 के लाहौर अधिवेशन में आपके डॉक्टर हरी सिंह गौर ने न्याय विभाग और प्रशासन को पृथक करने की मांग भी की थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, इससे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लोग सॉल्व करने की उपस्थिति में, मतलब पहुंच सकते हैं स्थिति में, ठीक है। और एक बात और याद रखना है, जो आपके हरी सिंह थे, इन्होंने 1904 में के जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध भी किया था, ठीक है। और याद रखिए 1907 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जबलपुर में एक क्रांति दल का गठन भी किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसा, जो सुबोध आपका एक तरह से न्यूज़पेपर हुआ करता था, ये सुबोध सिंधु, ये कहाँ से निकला था? खंडवा से। और आपसे पूछ लेता है कि जो जबलपुर टाइम्स था, ये कहाँ से निकला था? तो आप लोगों को याद रखना होगा जबलपुर से था, ठीक है। और आप लोगों को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के समाचार पत्र को भी याद रखना होगा, इनका समाचार पत्र था करमबीर। क्या था? करमबीर। कई बार पूछ लेता है करमबीर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो करमबीर, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और इससे न्यूज़पेपर से क्या होगा कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है इस न्यूज़पेपर ने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। आप देखेंगे 1916 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सिवनी सत्याग्रह में से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है। कहाँ से? सिवनी सत्याग्रह से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष कब से शुरू हुआ था है और कहाँ से शुरू होता है, तो 1916 से होता है, सिवनी सत्याग्रह से, ठीक है। आप देखेंगे जबलपुर में, जो जबलपुर आप देखते हैं ना, यहाँ से होम रूल लीग इकाई की का गठन भी किया गया था जबलपुर में, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खिलाफत आंदोलन भी आप जानते हैं, 1920 की बात कर रहा हूँ मैं, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक तरह से दोनों चलाए गए थे। तो मध्य प्रदेश राज्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके एक प्रभाकर डुंडीराज जाटो, दूसरे थे आपके अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने खिलाफत आंदोलन संगठित किया था, ये भी आप लोग याद रखिए, इन नेताओं को भी याद रखिए। फिर आप देखते हैं कि 20 मार्च 1919 को खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक भी हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता दादा साहब
खाफवाड़ ने की थी, ठीक है। इसमें रोलेक्ट एक्ट विरोधी प्रस्ताव भी पारित किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिए। एक आप सुनते हैं 1923 का जबलपुर, 1923 का जबलपुर सत्य झंडा सत्याग्रह, ये आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। क्या पूछता है कि जबलपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में, ठीक है। तो जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी, ये आप लोग याद रखिए। और इसमें इसमें आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन की तैयारी में पहुंचे अजमल खान और कांग्रेसियों के सम्मान में जबलपुर नगर पालिका जो थी, इस पर आपका जो तिरंगा है ना, ये भी फहराया गया था। और इसमें देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे पुलिस वालों ने इस तिरंगे को तरवा दिया था और पैरों तले को चलवा दिया गया था। और जिसके विरोध में आप देख सकते हैं कि पंडित आपके सुंदर लाल हों, नाथू राम मोदी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हों, लक्ष्मण सिंह चौहान हों, नरहरि अग्रवाल हों, इन्होंने एक जुलूस भी निकाला। उसके बाद देखेंगे पुलिस ने इन्हें रोका, समझ रहे हैं, फिर भी इन्होंने, लेकिन दूसरे जत्था था इनका विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया, ये भी हुआ, ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और याद रखिए 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1923 को आप देखेंगे कि नागपुर में भी आपका सत्याग्रह हुआ था, और जो जबलपुर में भी आपका देखेंगे पुनः आपने देखा होगा कि झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिए। उस सत्याग्रह के नेतृत्व की बात करें तो देवदास गांधी हों, राम गोपालाचार हों या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, इन्होंने किया था, ठीक है। और जिसमें आप देखते हैं कि सुंदरलाल को 6 महीने की सजा भी हुई थी इसी कांड में, ठीक है। ये भी सरोजनी नायडू हों, मौलाना आज़ाद को भी आप देखेंगे, इन्हें भी एक तरह से इन्होंने भी टाउन हॉल में तिरंगा फहराया। फिर आप लोग नमक सत्याग्रह से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, इससे किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, तो उधर आप देख रहे होंगे कि दांडी में नमक बना रहे थे गांधी जी, और इधर आप देखेंगे 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में आप देखेंगे सेठ गोविंदास और जो आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। ये भी आप लोग दो नाम याद रखिए, सेठ गोविंदास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, मध्य प्रदेश के जो नमक सत्याग्रह चला था इसमें भाग लिया था इन्होंने जबलपुर में, ठीक है। और एक नाम और आप सुनिए, नमक सत्याग्रह से एक नाम और जुड़ा हुआ है, सिवनी जिले के जो दुर्गा शंकर मेहता थे, इन्होंने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और यहाँ जेल में आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस हों, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, शरद चंद्र बोस, एच बी कामत, इन लोगों को बंद किया गया था इसी में। एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या एक मध्य प्रदेश में आपका जंगल सत्याग्रह के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन आता है आपका चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार, ये कब की बात है, ये बात है आपकी 14 जनवरी 1931 की, ठीक है, 14 जनवरी 1931 की। तो आपको बता दूं इसमें, इसे आप लोग देखेंगे कि छतरपुर में क्षेत्र में जो चरण पादुका ग्राम था उर्मिल नदी के तट पर, ये भी आप लोग उर्मिल नदी को भी याद रखिए। यहाँ क्या हुआ कि जो शांतिपूर्ण यहाँ सेनानियों की, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी बैठक चल रही थी, उस पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई, किसके आदेश पर, कर्नल फेसर के आदेश पर। और इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें 6 सेनानी माने गए थे। और इसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड किसे कहते हैं, तो चरण पादुका नरसंहार को। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था, कर्नल फिशर, ये कब हुआ था, 14 जनवरी 1919 को, ठीक है। फिर आप देखते हैं पंजाब मेल हत्याकांड, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये 23-24 जुलाई 1931 की बात है, जुलाई 1931 की बात है। तो इसमें आप देखेंगे वीर यशवंत सिंह जो दमोह के थे, और देवनारायण तिवारी और दलपत राय ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया था, और अंग्रेज जो एक हैक्सल थे इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है।
और आप देखेंगे 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह हो या फिर आपके देव नारायण तिवारी हो, इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और जो दलपत राव थे इन्हें कालीपानी की सज़ा सुनाई गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब मिल हत्याकांड से कौन कौन से जुड़े हुए थे, कौन कौन लोग, तो इसमें आपके वीर यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी, दलपत राव, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। और 1922 में आप जानते हैं कि भोपाल की रियासत हुआ करती थी सीहोर, यहाँ एक विदेशी फेल्ट कैप की होली भी जलाई गई थी। और 1938 में आप देखेंगे एक भोपाल में आपकी 1938 में भोपाल राज्य में प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, एक ये भी पूछा जा सकता है, रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ था, स्वामी एस से स्वामी, ठीक है, ज्ञानानंद। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि यहाँ आप देखेंगे 1931 में आपका स्त्री सेवादल की स्थापना हुई थी, और 1935 में इनसे आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रज्ञा या प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, प्रज्ञा या फिर जिसे आप लोग प्रजामंडल भी कह देते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो इन दोनों को स्त्री दल की बात करें तो 1931 और प्रजामंडल या प्रज्ञामंडल 1935, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आप देखते हैं कि 1934 में इसी प्रज्ञामंडल की सहायता आप देखेंगे, इसी के कारण आप देखेंगे काफ़ी यहाँ होली हरिजन उद्यार हो या शराबबंदी हो या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात हो, यहाँ भी चलाया गया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक आपसे पूछता है सोहाबल का नरसंहार, सोहाबल का नरसंहार, या फिर आपसे पूछे कि महाजन गोलीकांड, महाजन गोलीकांड ये कब हुआ था, ये 19 जुलाई ये है आपकी 1938 की बात। इसमें याद रखिए ये हिनौता गांव जो सतना जिले में बीर सिंहपुर के समीप पड़ता है, यहाँ आप देखेंगे सोहाबल रियासत में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में पगार खुर्द के लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा हुई थी, और जिसमें इसमें आप देखेंगे सम्मिलित हो जाए जो लाल बुद्ध प्रताप सिंह थे, रामासे थे, गौतम और मंदिर पांडी को माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसे ही आप लोग सोहाबल का नरसंहार या माजन गोलीकांड कह देते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। फिर आप लोग एक सुनते हैं, आप लोगों से जंगल सत्याग्रह के बारे में भी बता देते हैं, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह 1930 की बात है, इससे भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसे भी आप लोग याद रखिए। अपनी जमीन और जंगल को बचाने के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक जंगल सत्याग्रह किया था, ठीक है, ये भी आप लोग इसका प्रभाव आप देखेंगे छोटा नागपुर हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इसमें ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। और जबलपुर में सबसे पहले आप देखेंगे जंगल सत्याग्रह की एक तरह से रणनीति बनाई गई थी, ठीक है, ये भी आप लोग। और सिवनी हो, टूरिया, सिवनी जिला और घोड़ा डोंगरी, बैतूल के इन आदिवासियों ने इस नमक सत्याग्रह के दौरान जंगल सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। और टूरिया में तो आप देखेंगे 4 आदिवासियों को पुलिस ने गोली मार दी गई थी। और फिर आप देखेंगे गजन सिंह कोरकू एवं बंजारी सिंह कोरकू ने पुलिस का प्रबल विरोध भी किया था इसी में, ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में एक जंगल सत्याग्रह आपका 1942 में चला, याद रखिए बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड 1942 में आप देखेंगे गोंडा डोंगरी साहेबपुर बैतूल जिले में आदिवासियों ने 19 अगस्त 1942 को बिरसा जो गोंड थे इनके नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के आसपास रेल पटलियां भी उखाड़ फेंकी थी। तो याद रखिए ये एक जंगल सत्याग्रह 1930 में और दूसरा आपका 1942 में, ठीक है, ये भी आप लोग। बिरसा गोंड को आगे कारावास में मौत हो गई थी इनकी, इन्हें कारावास हुआ था, एक आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है त्रिपुरी अधिवेशन से, किससे, त्रिपुरी अधिवेशन से, इससे क्या होएगा त्रिपुरी अधिवेशन, ये कब हुआ था, ये 1939 की बात है,
और ये कभी एक बड़ा रोचक है, आप समझ रहे हैं। जबलपुर त्रिपुरी में कांग्रेस का नियमित वार्षिक अधिवेशन हुआ था। यह अध्यक्ष पद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को 203 वोट से हराया था, और जो सीतारामैया थे इन्हें गांधी जी, इनकी हार को गांधी जी ने अपनी हार माना था। इसलिए आप देखते हैं कि आगे आपके जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग, जिसे आप लोग त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक आप लोग सुनते होंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्या ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये कब हुआ था, 1940 की बात है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया गया है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आपको याद रखना होगा कि 1940 का है था, ठीक है। और गांधी जी ने राजनीतिक चेतना के केंद्र बन चुके जो जबलपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ से, जबलपुर से, आप जानते हैं ना जबलपुर भेड़ाघाट, वही। और याद रखिए इसमें ये भी क्वेश्चन बन चुका है कई बार कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन बने थे, तो ये थे विनोबा भावे। विनोबा कौन थे, विनोबा भावे, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है, समझ रहे हैं, भावे, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे, ये आप लोग याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं आप लोग कि एक पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, यानी कि आज़ादी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो ये याद रखिए सर्वप्रथम विदिशा, यानी कि विदिशा से ये प्रारंभ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। विदिशा, विदिशा आप लोग याद रखिए। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने, जो आप जानते हैं ना कि गांधी जी ने 2 अक्टूबर अपने ही जन्मदिन के दिन 1942 को मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की थी और विपराहत जिले जेल में डाल दिए गए थे। और याद रखिए गांधी जी के करो और मरो जो उनका नारा था ना, उसी से पेड़ डाले के, ठीक है, यहाँ के क्रांतिकारियों ने जेल तोड़ दी थी, आप समझ रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और आप देखेंगे इसमें आप फिर आगे जाके भोपाल के नवाब के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन एक शुरू हुआ, जिसके बाद घबराकर जो नवाब थे यहाँ के, इन्होंने भारत में विलय कर लिया था, ठीक है। एक आप लोग सुनते हैं कि रीवा कच्चावल आंदोलन, इससे भी आप लोगों को क्वेश्चंस बन सकता है। क्या बन सकता है, इससे भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है रीवा आंदोलन के बारे में, रीवा के चावल आंदोलन के बारे में। तो ऐसे आप लोग याद रखिए, सबसे पहले तो रीवा का चावल आंदोलन आपका 28 फरवरी 1947 को हुआ, 1947 को। इस डेट को भी याद रखिए। आप देखेंगे जवरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चला था, कहाँ, रीवा में। और याद रखिए इसमें रीवा की रियासत में जवरिया लेवी वसूली के विरोध में तिरुभवन तिवारी को याद रखिए, और भैरव प्रसाद और मालिया की रीवा रियासत के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तभी ये चला था। और चरूर हैवा, कैसे नाम पड़ जाते हैं, चरूर हैवा, ठीक है, हैवा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित था। चावल वसूली प्रकरण कहाँ से संबंधित था, ये आपका था सीधी जिले से संबंधित, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो मुझे लगता है कि ये हैं आपकी घटनाएं अभी तक, मतलब आप समझिए कि जो भी इतिहास में घटनाएं मेन घटी हुई हैं। और देखिए इतिहास पढ़ने में आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए फिर भी कमी ही रह जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेन जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा है क्षेत्रीय इतिहास भी देखा है मध्य प्रदेश का, उसके भी जो भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें भी आप लोगों ने देखा है। एक आप लोग बख्तावर सिंह के बारे में सुनते होंगे, किसके बारे में, बख्तावर सिंह के बारे में, इनके बारे में भी बता देता हूँ कुछ, बख्तावर सिंह, ठीक है। तो इनके बारे में बात करें तो इनका ये मालवा के शासक थे, और जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था, कंपनी कहने का मतलब अंग्रेज, ठीक है। और इनका नेतृत्व अमझेरा के एक नायक मोहनलाल द्वारा किया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ये भी आप लोग याद रखिए। और एक नाम आप लोग सुनते हैं,
भील विद्रोह के बारे में, तो एक 1800 भील विद्रोह आपका 1819 से 1825 तक चलता है, ये भी आपका मध्य प्रदेश से संबंधित था, ठीक है। और इसके नेता की बात करें तो सेवराम थे, सेवराम भील इसके नेता थे। और इसका कारण था कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों ने जो बढ़ता हस्तक्षेप और अंग्रेजों के एक तरह से अत्याचार के कारण ही ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। ये भी आप लोग याद रखें। एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछे, अगर दो दो एक तो भोपाल के युद्ध के बारे में क्वेश्चन आया अगर आपसे कभी, तो याद रखिए ये 1737 की बात है। भोपाल का जो युद्ध कब हुआ था, ये बाजीराव पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद निजाम को पराजित किया था इसमें, ठीक है, याद रखिए। एक आपका पूछा जा सकता है पाल, क्या पाल खेत का पाल खेद का युद्ध कब हुआ था, ये आपका 1796 में हुआ था, 1796 में, ठीक है, ये भी आप लोग। और इसमें याद रखिए मराठों ने निजाम और नवाब की संयुक्त सेना को हराकर दोनों से चौथ वसूला था, एक मराठा कर हुआ करता है चौथ, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर हम लोग मध्य प्रदेश में बेगमों के शासनकाल की बात करेंगे भोपाल के, तो इसमें आप लोग एक याद रखिए, इनका नाम एक कुदसिया बेगम हुआ करती थी, कौन सी, कुद सिया, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनका समय रहा है 1819 से 1844 तक, ठीक है। और इनका आप लोग एक नाम था इनका गोहर बेगम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और ये भोपाल की प्रथम महिला शासक थी, शासिका थी, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। दूसरी आप सिकंदर जहां बेगम के बारे में बात करते हैं, ये सिकंदर जहां बेगम वही हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को शरण दी थी, अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। और जो मोती महल देखते हैं, मोती मस्जिद, इन्हीं ने बनवाई थी। एक आप लोग नाम सुनते हैं शाहजहां बेगम, ये 1868 से 1901 तक रहती हैं, और 1901, ठीक है, तो इनका सर्वाधिक लंबा समय काल रहता है, ये भी आप लोग। एक आप नाम सुनते हैं के खुसर बजहां बेगम, ये 1901 से 1926 तक रहती हैं, ये भी याद रखिए। और याद रखिए इनके बारे में, उन सदर मंजिल नामक अपना निवास इन्होंने बनाया था, ठीक है, और 1903 में भोपाल में आधुनिक पैटर्न की नगरपालिका भी इन्हीं ने बनाई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, भोपाल के जलियांवाला कांड, ये 15 जनवरी 1949 को हुआ था, एक क्वेश्चन आ सकता है इसे, भोपाल का जलियांवाला। तो मकर संक्रांति के दिन आप देखेंगे बोरास गांव रायसेन में नर्मदा तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना ने अधिकारी जाफर अली खां के आदेश पर स्थानीय लोगों बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल और वीरधरन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी कांड को आप देखते हैं कि भोपाल जलियांवाला कांड भी कहते हैं आप लोग, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इनसे अगर क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें और आपका क्वेश्चंस क्या बन सकता है, इनसे क्वेश्चंस आपका अगर बने, एक शहीद गुलाब सिंह के बारे में भी क्वेश्चंस बन सकता है, शहीद गुलाब सिंह, इनके बारे में क्वेश्चंस कई बार आ भी चुका है, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह की बात करें तो मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के वीर शहीद गुलाब सिंह, अगस्त 1942 में आप देखेंगे इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर में आंदोलन हुआ था, और 11 अगस्त को सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी जिसमें आंदोलन ओग हो गया था, और पुलिस ने जुलूस पर लाठियां चलाई जिसमें वीर गुलाब सिंह शहीद हो गए थे। और पहले आप समझ सकते हैं कि ये गुलाब वही हैं, ठीक है, इससे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग। और एक क्वेश्चन और अगर आपसे कभी पूछे कि महेश जो बीरबल का नाम आप लोग सुनते हैं, इनका जन्म सीधी में हुआ था, कहाँ, सीधी में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आता है तो इसमें आप लोग सीधी में, ठीक है, ये भी आपसे अगर पूछता है। और 1857 की क्रांति अगर बात करें समय, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम विद्रोह बानपुर
सागर में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिए। और बात करें सैनिक विद्रोह नीमच में छावनी में 3 जून 1857 को हुए थे, इस पर भी बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और आपसे बहुत कुछ बात कर चुके हैं हम लोग, तो इससे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी हैं आपकी, और मुझे लगता है कि ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं से आपके और तो वैसे इतिहास पढ़ना है तो आप लोग पढ़ते रहिए, जितनी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी हैं और जितना बच्चा हुआ है उन्हें भी आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। चलिए तो अगले हम लोग चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति और साहित्य के बारे में, यहाँ ठीक है, जो भी इससे संबंधित घटनाएं हैं उन पर हम लोग विस्तार से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, उन्हीं को देखेंगे। देखिए सभी को शामिल कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस जहां सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और याद रखिए अगर विस्तार से आपको पढ़ना है तो कितनी क्लासें ले चुके हैं और आप दुनिया भर की बुक्स रखे हुए तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे।